शंखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजासंगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दिशातिलकिने नारायणे नास्तिने नागैः कंकणिने नगेन गृहणे नाथाय सेयन्मतिः विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात्कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निरवाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफलेन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितवलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं बात जातं नमामि ओम नमः श्री परमहंसात् स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरन्दाय भक्त जन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण नमो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव।
आओ हम सब मिलकर के अपनी मति को सती बनाने के लिए श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानंदनी के श्री चरणारविंदों में चलें, उन्हें निहारते हुए अपने हृदय के भाव पुष्प उनके श्री चरणारविंदों में समर्पित करें। हम सब मिलकर के प्रथम श्री किशोरी जी की मधुमय स्तुति का गान करें, उसके बाद श्री रामचरितमानस के माध्यम से अपने मानस को पावन और पवित्र करें। पहले हम सब मिलकर के श्री श्यामा जी की मधुमयी स्तुति का गान करें। कृपारूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री राधिके जाए पुकार
भिक्षा दी
वनेश्वरी साधन भजन का तो बल नहीं है, केवल तुम्हारी कृपा का ही आश्रय है। आपके श्री चरणारविंदों में हमारी बारंबार यही प्रार्थना है, आपने सदमों के सरदार पर जैसी अनुग्रह भरी दृष्टि डाली है, बस ये दृष्टि आपकी सदा यूं ही बनी रहे, यही बारंबार प्रार्थना है। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य विद्वत वृंद भूदेव वृंद, हमारे राघवेंद्र सरकार की अनुराग वर्धनी गाथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के अपने जीवन को मधुर बनाने के लिए तीर्थ वर्षी प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि में, जहां याज्ञवल्क महात्मा श्री भरद्वाज जी महाराज को निमित्त बना करके भगवान श्री राघव का पावन पवित्र चरित्र श्रवण करा रहे हैं,
हम सब उसी सभा में बैठ करके याज्ञवल्क्य महात्मा के मुखारविंद से निर्धारित ये राम कथा मंदाकिनी में अपने चित्त को अवगाहित करें। कल हम सब श्रवण कर रहे थे गुरु आज्ञा मान करके। जब गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापु मेटहु तात जनक परितापु, हे राम खड़े हो और ये शिव के चाप का खंडन करो जिससे जनक का परिताप मिट जाए, जनक का दुख मिट जाए। हमारे श्री राघवेंद्र सरकार की यह विलक्षणता है कि वह जो भी पाठ करते हैं पूर्ण रूप से करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बात बड़ी अनोखी कही गई। हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज का मानना यह है कि भले बार बार शास्त्र ये कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्य हम, कि जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म की वृद्धि होती है तब तब परमात्मा का अवतार होता है। धर्म की रक्षा के लिए परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह व्यापक तत्व है, सबके अंतःकरण में बैठ करके धर्म की शिक्षा वो दे सकते हैं। तो परमात्मा का अवतार क्यों होता है? हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज कहते हैं रक्षो बधायैव न केवलम विभो मर्त्यावतारस्तु हि मर्त शिक्षणम्। परमात्मा का अवतार केवल दुष्टों के दलन के लिए नहीं होता है, परमात्मा का अवतार होता है मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है, भाई के प्रति भाई का क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्रों के प्रति क्या कर्तव्य है, एक राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, इन सारे कर्तव्यों की शिक्षा दिखाने के लिए सिखाने के लिए परमात्मा का अवतार है। एक शिष्य को अपने गुरुजनों के चरणों में किस प्रकार से रहना चाहिए, अगर यह सीखना हो तो हमारे श्री राघव से सीख लीजिए। मैं आज प्रातःकाल बैठ करके कुछ चिंतन कर रहा था, मैंने देखा कि श्री राघवेंद्र सरकार के चित्त में श्री सियाजू के प्रति बहुत अनुराग है और ये हैं अनादि दंपति। इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई है तो स्वाभाविक है जिससे हम प्रेम करते हैं वह हमें बहुत वर्षों के बाद मिले तो हम चाहते हैं कि वह हमारे सन्निकट आ जाए, हम उसके सन्निकट पहुंच जाएं। किंतु यह धनुष बीच में व्यवधान था, सर्वज्ञ होने के कारण भगवान को यह पता है कि यह धनुष हमसे ही टूटने वाला है। गुरुदेव ने आशीर्वाद भी दे दिया है कि तुम्हारे मानस में जो है उसकी तुम्हें प्राप्ति होगी और इस समय मानस में श्री वैदेही का ही निवास है, किंतु इन सब कर्मों के बाद भी, जानकारी के बाद भी भगवान तब तक धनुष तोड़ने के लिए नहीं उठते जब तक गुरु आज्ञा नहीं देते हैं। और सच कहें सेवा का स्वरूप यही है, आज्ञा समन सुसाहेब सेवा।
हम कई बार नवयुवकों को समझाते हैं, कई बार ये बात उनके सामने रखते हैं कि यदि अपने मन से हम किसी की सेवा करते हैं, माता पिता की, गुरुजनों की, तो हम उनकी सेवा नहीं करते, अपने मन की गुलामी करते हैं। और अधिकतर होता यही है कि जिसकी हम सेवा में संलग्न होते हैं वहां हमारा मन ही बीच में आता है। मन आता है तो हम सेवा करते हैं, मन में आता है तो नहीं करते हैं। ये सेवा का स्वरूप नहीं है। सेवा का स्वरूप है सेव्य की जो आज्ञा हो, सेव्य जो कहे उस सेवा में हम संलग्न हो जाए तो सच्चे सेवक हैं। वहां कोई विचार नहीं है, वहां कोई चिंतन नहीं है, वहां कोई खोज नहीं है, वहां कोई शंका नहीं है, वहां कोई भय नहीं है कि नहीं टूटेगा तो क्या होगा, कोई किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं। गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव ने आज्ञा दी है इसलिए उस आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को पालन करते हुए हमारे श्री राघवेंद्र सरकार गए, हम कल श्रवण कर रहे थे, लेत चढ़ावत खैचत काढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। हमारे श्री राघव ने कब धनुष उठाया और कब उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दी और कैसे उसको तोड़ दिया ये कोई जान ही नहीं सका। किसी की दृष्टि उस पर गई ही नहीं। और महाराज जब भगवान ने तोड़ दिया, जब ध्वनि हुई, उस समय ध्वनि को सुनकर के लोगों को लगा कि धनुष टूट गया। और धनुष टूट जाने के बाद सुनत जुगल भर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सियाजू के हाथ में माला थी किंतु प्रेम परवश होने के कारण पहना नहीं पा रही थी। सहेलियां गीत गा रही थी और उसी अवधि में, उसी समय में श्री लखनलाल जी ने वंदन किया है, गावई छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मेली। सहेलियां गीत गा रही और सियाजू ने श्री राघव के गले में बरमाला पहना दी। जो राघव के गले में बरमाला पड़ी, रघुवर उर जयमाल देख देवी बरसही सुमन। हमारे श्री रघुवर के हृदय में जो गले में बरमाला पड़ी देख करके सब देवता लोग हर्षित हो गए हैं और प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जितने वहां राजागण थे वो सब सकुचित हो गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आकाश मार्ग से पुष्प बरस रहे हैं व्योम में, बाजों की भी ध्वलिन हो रही है, सब जय जय करके ध्वनि कर रहे हैं। चारों दिशाओं में सब जगह यह ध्वनि व्याप्त हो गई। मही पाताल नाक जस व्यापा, पृथ्वी लोक में, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में ये यश व्यापक हो गया, व्याप्त हो गया। क्या यश, बोले राम बरीस ये भंजे उचापा। बड़ी विलक्षणताएं हैं, ये ध्यान देने लायक है। राम बरी सिय भंजे उचापा, इसके अर्थ कई प्रकार से किया जा सकता है। सिया जी का तो वर्ण राम जी ने कर दिया किंतु सिय भंजे उचापा, राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा है। अगर राम जी ने धनुष तोड़ा होता तो निश्चित रूप से लोग देखते तो कहा धनुष तोड़ा किसने, फिर किस कौन तोड़ने वाला धनुष है, किसने धनुष तोड़ा है। जब तो कहा सियाजू ने ही धनुष तोड़ा है। सियाजू ने धनुष तोड़ा, बोले हां सियाजी ने धनुष तोड़ा, क्योंकि राम जी से तो महाराज पुष्प भी नहीं तोड़े जाते और जिन महापुरुष से पुष्प नहीं तोड़े जाते, पुष्प तोड़ने में पसीना आ जाता है, वो तो धनुष कैसे तोड़ सकते हैं।
वहां जनकपुर की नागरियां आपस में अलग अलग ढंग से चर्चा कर रही हैं। कोई कहता है सियाजू ने तोड़ दिया, कोई कहता है सियाजू के प्रताप से धनुष टूट गया। परी परी पाए जाए गिरजा निहोरी नित्य। एक सखी कहती है पता है धनुष कैसे टूटा है, जानकी रोज गिरजा की जाकर स्तुति करती थी और कितने वर्षों से शंकर मनाए पूजे गणपति भाव से। सियाजू ने गणपति की आराधना किया, भगवान शंकर को मनाया है। दीने दान विविध विधान जय कीजे बहु। महाराज उन्होंने अनेक प्रकार के दान दिए, महाराज जप तप किए हैं, नीम व्रत लीने सिय सहित उछाव से। रसिक बिहारी मिथिलेश की दुलारी दृण, प्रीति उत महाराज प्रीति उरधारी अवधेश सुत चाव से। जनक किशोरी के प्रताप से पिनाक टूटो है न जानो राम बल के प्रभाव से। सखियां कहती राम के बल के प्रभाव से नहीं टूटा है, जनक किशोरी के प्रताप से पिनाक टूटो। ये पिनाक यदि टूटा तो श्री किशोरी जी के प्रभाव से टूटा है। सुनैना ने तो पास में बैठी हुई अपनी सखियों से कहा, सखी एक बात कहूं, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं कि धनुष टूट गया, धनुष टूट गया, धनुष टूट गया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। मुझे तो नहीं लगता है सुकुमार बालकों से कभी धनुष टूट सकता है, ये राघव ने धनुष तोड़ दिया मुझे विश्वास नहीं होता है। तो किसने धनुष तोड़ा है? अगर राम जी ने नहीं तोड़ा तो ये भी नहीं स्वीकार करती कि हमारी सियाजू ने तोड़ा है। सुनैना पास में बैठी हुई अपनी सखी से कहती हैं, इत सिय मात प्रमोद युत कही नीर भरी नयन। प्रसन्न होकर के आंखों में नैनों में महाराज अश्रु बहाती हुई सुनैना ने कहा, भंजो राजकुमार धन कियो भाखो यह बैन। सब लोग कहती हो कि राजकुमार ने धनुष तोड़ दिया, धनुष तोड़ दिया, ऐसी बात क्यों बोलती हो? तो सखी किसने तोड़ा है? उन्होंने कहा, कहत सखी सो सियमात हुलास ही है। हेली हूं भई तो अति चकित निहार के। मैं भी ये निहार करके चकित हो गई हूं, आश्चर्य से भर गई हूं कि राजकुमार कैसे धनुष तोड़ सकते हैं। तो फिर धनुष टूटा कैसे? मां कहती हैं, रसिक बिहारी भूरि भारी हो पिनाक जाति, निरख अपार वीर बैठे बलहारी के। ये बड़े बड़े जो राजाधिराज आए थे ये सब तोड़ना चाहते थे, इनसे नहीं टूटा, सब हार हार करके बैठ गए। तो भंजो ताही बाल रघुलाल हो न मानो यह। मैं ये बात नहीं मानती कि रघुलाल ने महाराज ये धनुष तोड़ दिया है। बात एक आई उर भाषों सो विचारी के। सखी मेरे हृदय में एक बात आई है विचार कर मैं कि तुम्हारे सामने कह रही हूं। मेरी जान काम राम रूप धरी आयो आज। ये राम जी ने नहीं तोड़ा, ये राम जी जो दिख रहे हैं ना इनके रूप में काम ही आ गया है। मेरी जान काम राम रूप धरी आयो आज, सम्मुधन तोर्यो बैर पछिलो संहारी के। मुझे तो ऐसा लगता है कि काम की दुश्मनी भगवान शंभु से है, क्योंकि भगवान शंकर ने काम को जला दिया था। स्वाभाविक होता है कि जब शत्रु बलवान होता है तो शत्रु जाकर सामने से नहीं लड़ता है, पीछे से लड़ता है या लोगों से मिलकर के काम करता है। तो निश्चित रूप से इस कामदेव को महाराज शंभु से दुश्मनी निकालनी थी, तो वह काम ही राम बन करके आ गया और अपनी दुश्मनी समाप्त करने के लिए उसने निश्चित रूप से धनुष तोड़ा है। महाराज सच कहें, ऐश्वर्य की एक अपनी महिमा है, अपनी गरिमा भी है। ऐश्वर्य की अपनी गरिमा मैं स्वीकार करता हूं, किंतु स्नेह के सामने यह ऐश्वर्य चलता नहीं है, ऐश्वर्य टिकता नहीं है और टिकना चाहिए भी नहीं।
आप चाहे हमारे श्री राघव के बाल चरित्र सुनो, चाहे माधव के बाल चरित्र सुनो, बड़े बड़े आश्चर्य के कार्य करने के बाद भी माता पिता को कभी स्वीकार नहीं होता है कि मेरे लाल ने किया है। हमारे नंद बाबा ने और यशोदा मैया ने पूरे जीवन भर ये स्वीकार नहीं किया कि हमारे श्री कृष्ण ने कंस का वध किया है। हमारा कन्हैया सुकुमार ऐसा कैसे काम कर सकता है? तो कंस को मारने वाला कौन है? बोले पापी अपने पाप से ही मारा जाता है। कंस को हमारे लाल ने नहीं मारा, वो पापी अपने पाप से मर गया। ये स्नेह है नारायण, ये प्रेम है, ये सौहार्द है। ऐसे ही यहां सुनैना मैया का जो सौहार्द है, प्रेम है, सखियों का जो सौहार्द और प्रेम है, उस प्रेम के कारण अलग अलग ढंग से सखियां कल्पना कर रही हैं और बाद में सतानंद जी महाराज की आज्ञा मान करके सियाजू ने श्री रघुवर के हृदय में जा गले में जाकर बलमाला पहना दी। और महाराज पहनाने के बाद जो जाकर के अपने स्थान में जाकर के बैठ गई तो बड़ा कोलाहल हो गया। और कोलाहल क्या, जो जितने राजा बैठे थे ना, वो महाराज गाल बजाने लगे। गाल बजाने में क्या जाता है? एक ने बगल वाले से कहा, कमाल की बात है, ऐसा करो ना, इनको जाकर के पकड़ करके बांध दो, दोनों राजकुमारों को, और जनक भी सहायता करे तो उनको भी मार दो, उनके साथ भी महाराज बल का प्रयोग करो, और हमारे रहते हुए सिया का दूसरे के साथ विवाह कैसे हो सकता है? तो दूसरे ने कहा, तू मेरे को आज्ञा क्यों देता है? तू जाके करना, मेरे को आज्ञा क्यों देता है? अरे बोले, मेरे बस का होता तो चला जाता ना, तो मैं तो बल दिखा रहा हूं। एक महात्मा हमारे सुनाते थे कि एक नदी में एक बालक गिर गया और नदी के प्रवाह में बहने लगा। हजारों लोग थे महाराज नदी के किनारे, सब लोग चिल्ला रहे थे, देखो देखो बालक गिर गया, बचाओ बचाओ बचाओ। अब कौन महाराज जाकर नदी में कूदे? तब तक एक बालक महाराज नवयुवक नदी में गया और जाकर के उस बालक को बचा करके ले आया। जब बचा करके ले आया तो सब लोग बड़ी प्रशंसा करें कि वाह भाई, जवान व्यक्ति हो, देखो तुमने ये काम किया। बोले बाद में बताऊंगा मैंने किया क्या है, किंतु पहले ये बताओ कि धक्का मुझे पीछे से किसने दिया था? वो भी कूदा नहीं था, वो तो किसी ने धक्का दे दिया था, बेचारा गिर गया, तो अब सोचा कि कम से कम गिर ही गए हैं तो बचा ले। तो कई लोग हमारा समाज में ऐसे होते हैं, कोई बात होती ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग, करना कराना कुछ नहीं है। एक बार एक बद्रीनाथ की यात्रा हमारी हुई बिरला परिवार के साथ में, तो संयोग से उसमें एक नास्तिक व्यक्ति था, नंबर वन का नास्तिक, और थोड़ा पठित भी था अंग्रेजी भाषा का। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई तो हमारी गाड़ी में बैठा, एक दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे वह ईश्वर का खंडन करता रहा। पहाड़ का रास्ता था, अपने राम तो माला ले लिए, जपते रहे माला और बार बार कुछ न कुछ छेड़े। फिर हमने कहा कि जब तेरे को ईश्वर पर आस्था नहीं है तो यात्रा क्यों करने आया है ये चारों धाम की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री? तो कहता है, बाबा जी मैं यात्रा यात्रा नहीं करने आया हूं, मैं तो हिमालय को निहारने आया हूं कि हिमालय की क्या ब्यूटी होती है। तो हमने कहा ठीक है महाराज। उसको इतनी राष्ट्र की चिंता थी, वो बहुत सारे पत्र प्रधानमंत्री को भेज चुका था उस समय, जो प्रधानमंत्री थे शायद वाजपेयी जी थे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये करना चाहिए ये करना चाहिए। वो कुछ ना कुछ सलाह बहुत दे, हमको भी सलाह देता था कि तुमको ऐसे समाज में बोलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैं सुनता रहा, मुझे लगता था इसके सामने सुनना ही ठीक है, क्योंकि अपनी ऊर्जा क्यों खराब की जाए। जो समझने के मूड में हो उसको समझाया जाए, जो उसने निश्चय कर लिया है कि हमको समझना ही नहीं है, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। और हमको बुरा भी नहीं लगता, तो हमको जो कोई अभिमान में भर करके बोलता है तो हम जान जाते ये नशे में है, चाहे
पद के नशे में है, चाहे जवानी के नशे में है, चाहे धन के नशे में, कई प्रकार के नशा होते हैं। अब जो नशे में होता है वो युक्ति युक्त नहीं बोलता है, आपने देखा उसका कोई बोलने का क्रम भी नहीं होता है, और नशे में व्यक्ति हो उसको समझाना चाहो तो उस समय समझने वाला भी नहीं है। नशा उतर जाए तो भले वो समझ जाए, तो हम तो चुप थे। संयोग से उसकी पत्नी भी साथ में थी, वो आस्तिक थी, उसकी बेटी भी साथ में थी, बेटी होगी करीब 25 साल की, ब्याह हुआ नहीं था, तो हमसे आकर के कुछ कहने लगा। तो हमने हंस करके हमने कहा कि श्रीमान जी, तुम पूरे राष्ट्र को सुधारने का प्रयास कर रहे हो और तुमको सब के सब दोष युक्त दुनिया में लोग दिख रहे, ये भी ईमानदार नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी लोभी, इसकी राष्ट्रनिष्ठा नहीं, किंतु मैं एक प्रश्न पूछूं। बोले पूछो। कहा कि कम से कम भाग्य जागे, चार दिन के बाद बोले तो सही आप। तो हमने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कितनी संतान है? बोले दो, एक बेटी एक बेटा। तो हमने कहा कि जिसकी शिकायत आप करने आए हो, जब तुम एक अपनी बेटी को नहीं सुधार पाए तो राष्ट्र सुधार की चर्चा क्यों करते हो? हमने देखा है महाराज, जिनके अपने जीवन में अनुशासन नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले अपने को अनुशासित बनाओ। अगर आपका मन आपके कहने पर नहीं चलता है तो आप दूसरों को कैसे चला सकोगे? बिल्कुल नहीं चला सकोगे। तो अधिकतर लोग बस एक दूसरे को कहते ही रहते हैं, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। हमको लोग तो बहुत सिखाने आते हैं कि महाराज जी आप कथा करते हो, थोड़ा भ्रूण हत्या पर बोल दिया करो, थोड़ा गाय की हत्या पर बोल दिया करो, थोड़ी समाज सुधार पर बोल दिया करो, थोड़ी ये भी। महाराज कम से कम महीने में दो चार तो हमको धर्मगुरु मिल जाते हैं, ऐसे सुनाया करो, ऐसे सुनाया करो, ऐसे सुनाया करो। मैं मन ही मन मुस्कुराता रहता हूं, जवाब तो नहीं देता हूं, क्योंकि अगर बड़ी उम्र का व्यक्ति हो तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे पिता की उम्र का है तो मैं इसको जवाब दूं। मैं मुस्कुराता रहता हूं कि आप जो कह रहे हैं ठीक वैसे ही करेंगे। किंतु ध्यान देने लायक बात यह, सुधार कहीं करना चाहते हो तो सुधार पहले से आप अपने से प्रारंभ करो। ये राजा लोग महाराज ऐसी ही बात बोल रहे थे, तुम उठो, तुम उठो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, हमारे बगैर ब्याह कौन कर सकता है? किंतु महाराज जितने सज्जन स्वभाव वाले लोग थे, साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज ही लाज लजानी। अरे साधु जितने सज्जन राजा थे, उन्होंने कहा कमाल की बात बोलते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो और बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। तुम लोगों की जितनी वीरता थी, जितना यश था, सब उस पिनाक के साथ चला गया, अब क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो? और एक बात कहूं, सौभाग्य तो ये है, देखो रामई नयन भरी तज ईर्षा मद को हो। राम को अपनी ईर्षा का परित्याग करके, अपने मद का परित्याग करके देखो तो सही, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। अरे भैया भावरे, कहीं लखन के कोप के भाजन मत बन जाना, इनके दर्शन करो, दर्शन यही सबसे बड़ा लाभ है हम लोगों के जीवन में। महाराज इस प्रकार से सज्जन लोग समझा रहे थे। इतने में तीन अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय जब समय शोर हो रहा था, राजा अपनी अपनी बात कह रहे थे, उसी समय हमारे श्री भृगुकुल कमल पतंग, भृगुकुल सूर्य आ गए, और जब सूर्य आ गए, देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। आपको बताएं, परशुराम के आते ही सब डर गए। कैसे डर गए? जैसे पक्षी, बाज पक्षी जब आकाश में आ जाता है तो चिड़िया के बच्चे सब अपने को छुपाने लगते हैं कि पता नहीं किस पर ये झपट जाए, किसको ये मार दें। देख करके महाराज सब जो राजागण थे, देख महीप सकल सकुचाने, सब संकुचित हो गए। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुण्ड विराजा। श्री परशुराम जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है,
कैसा उनका दिव्य स्वरूप है, कोप से लगता है जिसको देख देंगे वह महाराज शरीर ही छोड़ देगा। सब देख करके भयभीत हो गए और महाराज जब वहां पहुंचे देखा कि धनुष टूटा हुआ पड़ा है। महाराज तब तक देखा कि जनक जी महाराज आकर के प्रणाम करते हैं। जनक बहुर आय सिरुनावा सीय बुलाई प्रणाम करावा। जनक जी महाराज आए, स्वयं प्रणाम किया, सियाजू को प्रणाम कराया और सियाजू को भी आशीर्वाद दिया। इन्होंने श्री विश्वामित्र जी महाराज आकर के मिले, उन्होंने पद सरोज मेले दो भाई राम लखन को भी कहा कि साष्टांग प्रणाम करो और परिचय दिया परशुराम जी महाराज को श्री लखनलाल जी ने और श्री राघव ने प्रणाम किया। राम और लखन को देख करके महाराज इन्होंने आशीर्वाद भी दिया और राम ही चितई रहे थकी लोचन। हमारे श्री राघव को देख करके उनके नेत्र थकित हो गए, अर्थात उनको देखना बंद करना ही नहीं चाहते थे। सच में नेत्रों का फल तो हमारे श्री राघव हैं और उनकी रूप माधुरी जिनके नेत्रों में एक बार आ जाती है, सच कहें वो अपने चित्त को संभाल नहीं पाता है। और सच कहें इतने सुंदर है हमारे श्री राघव। बीच बीच में आपको हम राघव के सौंदर्य का वर्णन करेंगे। ऐसा सौंदर्य कि आज तक आपने कहीं सुना और देखा ही नहीं होगा। अरे बाबा, मनुष्य मनुष्य पर यदि आकर्षित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु हमारे राघव के सौंदर्य को देखकर सर्प और बिच्छू भी प्रभावित होते थे, मगरमच्छ भी उनको देख करके उनके हो जाते थे। जो एक बार उनको देख ले उनका हो जाए। हमारे एक महात्मा कहते थे कि जब अवधपुर में गए थे तो सखियों ने महाराज सावधानी एक सूचना दी थी सबको, कहा चित्त को संभारो सखी, नगर में चोर आए हैं। कहा चित्त को संभारो सखी, नगर में चोर आए हैं, किंतु ये चोर दूसरा को चोरी नहीं करते, चित्त की चोरी करते हैं। ये चित्त को चुराने वाले हैं श्री राघव हमारे सबके चित्त को। परशुराम जी महाराज के चित्त को चुरा लिया, रूप अपार मार मद मोचन। और जो महाराज उन्होंने देखा कि इतनी भीड़ क्यों है, ये बड़े बड़े राजा महाराजा यहां क्यों आए हैं, क्या कारण है। अच्छा नारायण, ये जानते सब थे किंतु अनजान बनकर के पूछ रहे हैं। और जो महाराज पूछा तो जनक जी ने चरणों में वंदन करके कहा कि गुरुदेव, क्या मैं आपको विस्तार से बात कहूं कि आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमारा परिवार सब धन्य हो गया। हमारी जो शिया है ना, आप परिचित हैं, जिसने अभी अभी आपको प्रणाम किया, एक दिन धनुष की सफाई करते करते उसने धनुष को उठा लिया और आपका दिया हुआ धनुष, आपके आराध्य का धनुष, जब उसने उठा लिया तो पता नहीं मेरे चित्त में एक संकल्प आ गया और संकल्प ये आ गया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी का विवाह सियाजी के साथ करेंगे। और उसी धनुष को तोड़ने के लिए राजा महाराजा आए थे, आपके आशीर्वाद से धनुष टूट गया और हमारा संकल्प साकार हो गया। महाराज ये सुनते ही अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ये सुनते ही कारे जड़ जनक, ये नारायण सगुण उपासक नहीं निर्गुण उपासक हैं जनक जी महाराज। और निर्गुण की उपासना चित्त प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, चित्त संजाने। ज्ञानी व्यक्ति को भी परशुराम जी महाराज ने कहा, ऐ जड़ इस धनुष को किसने तोड़ा है। जनक जी तो कुछ बोल नहीं सके। उन्होंने कहा कि उस अपराधी को सामने दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो। अगर नहीं दिखाते हो तो जहां तक तुम्हारा राज्य है उस सारे राज्य को मैं पलट दूंगा।
महाराज जो इस प्रकार से बोलने लगे तो जो राजा लोग थे ना, राजा लोग बोले देखो हमको पता था। एक राजा ने दूसरे राजा से कहा कि क्या जानते हो, हमारे बाप दादा ने पहले ही बताया था कि ये जो धनुष है ये भगवान शंकर का है और इसके टूटने से परशुराम जी महाराज नाराज हो जाएंगे, ये हमारी जानकारी थी तभी तो मैंने नहीं तोड़ा, अगर जानकारी न होती तो मैं तोड़ लेता। महाराज आपको क्या बताएं, बड़े बड़े विलक्षण समाज में लोग होते हैं। अब टूटा तो था ही नहीं, तो कम से कम महाराज अब अपनी इज्जत तो बचा ले, और बोले अब बचने वाला कोई नहीं है क्योंकि परशुराम जी का कोप आप सब जानते हो। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही सकल त्रास उर भारी, सारे लोग भय से भर गए क्या होगा क्या होगा। और हमारी सियाजू की मैया पछताने लगी, विचार करने लगी कि विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी, सब कुछ अच्छे ढंग से हो गया क्योंकि सब लोग महाराज जानते हैं सियाजू को भी भृगुपति का स्वभाव पता है। भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता अर्घ निमेश कल्प समबीता, महाराज उनका स्वभाव उनको पता है इसलिए भयभीत हो गई, वो भी छोटा सा भी काल कल्प के समान जान पड़ रहा है। और जब महाराज परशुराम जी क्रोध भरी आंखों में चारों तरफ देखने लगे, सभय विलोके लोक सब जान जान की भीड़, भय से सब लोग भर गए, तो हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। आज मैं विचार कर रहा था इस दोहा पर, तुम्हारा तो हृदय भराया। एक निवेदन करूं, परशुराम जी कुछ भी बोलते रहते किंतु यदि जानकी भयभीत नहीं होती तो शायद राघव बोलते नहीं। कैसा अनुराग है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जान जानकी भीड़, श्री राघव को पता चल गया कि जानकी भयभीत हो गई है। हमारे राघव का हृदय ऐसा है जिन हृदय में विषाद है न हरस है, ये सम रहने वाले परमात्मा ने आज परशुराम जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपको बताएं शील बल और स्वरूप ये तीन भगवान के पास ऐसे हैं, एक तो सुंदरता, दूसरे शील और तीसरा बल। इस तीन के बल से भगवान सबको अपने बस में कर लेते हैं। आप पूरे रामचरितमानस में देखना, दुष्टों को तो महाराज ये अर्ती नगरी है, ये रामचरितमानस तीन नगरों में समटी हुई है, अवध मिथिला और लंका। अवध महाराज अवध में तो अपने शील स्वभाव से सबको बस में कर लिया था और मिथिला वासियों को रूप से अपने बस में कर लिया और लंका में अपना प्रभाव बल का दिखाया। तो शील बल और रूप ये तीनों अनूप हैं श्री राघव के पास। अब देखिए सबसे पहले हमारे श्री राघव ने शील का प्रयोग किया और महाराज ये बहुत कम होता है कि बल वाले के जीवन में शील आ जाए। हमारे राघव के जीवन में ये ऐसी अद्भुत सामंजस्य है, आकर के हाथ जोड़ करके कहा कि आप पूछ रहे हो ना धनुष किसने तोड़ा है, नाथ संबुधन भंजनी हारा, हे नाथ इस संबुधनुष को कोई तोड़ने वाला आपका दास होगा, आपका सेवक होगा, आपकी क्या आज्ञा है उसके लिए, आप उस तोड़ने वाले को ढूंढ रहे हो तो कोई आज्ञा है। जो महाराज सुना कि दास होगा तो बड़े क्रोध में आ गए और कहा राम सेवक का क्या कर्तव्य होता है ये तुम्हें नहीं पता है। राघव ने हाथ जोड़ करके कहा कि आज्ञा कीजिए। बोलक सेवक वा होता है जो सेवा करे, सेवक वा नहीं है कि दुश्मन का कर्तव्य करे,
अरी करनी करी करे लड़ाई, ये तो काम दुश्मन का किया है उसने। एक बात ध्यान रखो, जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान हमारा दुश्मन है, रिपु है। पुराणों में महाराज बड़ी विलक्षण कथा है, वैसे तो ये चरु बदल जाने के कारण सब काम हुआ, चरु बदल जाने के कारण। अगर चरु न बदला होता तो इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता कि ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होने वाला कोई इतना कठोर हो। वो तो जो छत्री के लिए चरु बनाया गया था वो ब्राह्मणी ने खा लिया, मां ने खा लिया कि अपनी पत्नी के लिए ऋषि ने अच्छा चरु बनाया होगा। आरुवा तो महाराज बनाया गया था छत्री के लिए कि बालक क्षत्रिय उत्पन्न हो, वीर उत्पन्न हो, किंतु ब्राह्मणी मां हो जाने के कारण, ऋषि महाराज के वहां उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण घर में उत्पन्न तो हुए किंतु काम सब क्षत्रिय का था, परशुराम जी का। और इनके पिता का वध हो जाने के कारण, सहसबाहु के कारण इनके पिताजी का वध हुआ था, और उस वध के कारण उन्होंने ऐसी दुश्मनी की उसकी सारी भुजाएं काट दी थी, और इनकी मां ने 21 बार छाती पीटी थी। तो उन्होंने संकल्प किया था कि कम से कम 21 बार तो हम छत्री से विहीन कर देंगे धरा को, और फरसे से काट करके 21 बार इस पृथ्वी को छत्रियों से विहीन किया था। तो कहा कि जैसा हमारा हुआ सहसबाहु दुश्मन है, वैसे वो भी दुश्मन होगा। और तुरंत कहा कि जो भी हमारा दुश्मन है, जिसने इसको तोड़ा है, अलग हो जाए और समाज उसको अलग कर दे। अगर आप लोग उसको अलग नहीं होते हो, वो अलग नहीं होता, तो नत मारे जई हैं सब राजा, निश्चित रूप से सब राजा मारे जाएंगे। अब ये सुनकर के महाराज सब घबरा गए और सब सोचने लगे, हे भगवान, न तो मैं धनुष तोड़ा, न तो मैंने कुछ किया, आफत मेरे ऊपर भी है। तो एक ने दूसरे को कहा, खड़े होकर बता दो ना कि राम ने तोड़ा है, तो कम से कम अपने प्राण तो बच जाएंगे। दूसरे वाले ने उसका कुर्ता पकड़कर खींचा, चुपचाप बैठ जा, देखते रहे, नहीं तो अगर परशुराम से बच जाएंगे तो लक्ष्मण से नहीं बचेंगे। तो प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, तो कम से कम शांति तो रखो। जो बोलना चाहता था बगल वाले का था, चुप रहे, कुछ नहीं बोलने की जरूरत है, जनक का बोलने का काम है, अपना बोलने का काम नहीं है। और देखो, दो लड़ रहे हो तो बीच में आपस में नहीं पड़ना चाहिए, ये जनक का मामला है, उनका मामला है, अपने क्या दिक्कत, चुपचाप बैठे रहो। और ज्यादा होगा तो महाराज हम निपट लेंगे, अपना बता देंगे कि हमारे पिताजी, बताया भी इसी ढंग से था, सब डर करके नाम लिया था अपना, अपने बाप का, कि हम आपसे ऐसे परिचित है, सब परिचय खोज रहे थे कि हमारा परिचय आपके साथ ऐसे है। सब एक दूसरे को महाराज चुपचाप कर देते थे। जब परशुराम जी महाराज बड़े क्रोध में थे, हमारे राघव जी तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, चुप, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपको सच कहें, लखनलाल जी ने तो परशुराम जी के लिए एक और काम किया, जैसे आग जल रही हो ना तो कोई घी डाल दे, परशुराम के सामने जाकर के कहा, महाराज महाराज मैं एक बात पूछूं। परशुराम जी बोले, बोल क्या पूछना है। बोले, मैं तो क्षत्रिय बालक हूं और बचपन से, क्योंकि हमारे यहां गुड्डा गुड़िया से खेल नहीं होता है, हमारे यहां के बालक गुड्डा गुड़िया से नहीं खेलते, हमारे यहां के बालक महाराज खेलते हैं यदि तो वह धनुष से तो खेलते हैं। हम लोगों को बचपन में खेलने के लिए धनुष ही दिए गए थे, और खेल खेल में माने जाने कितने धनुष तोड़ दिए, किंतु तब तो आप कभी क्रोध करके नहीं आए। अगर धनुष टूटने से ही तुम्हें कष्ट होता है तो पहले आ जाते, तो पहले हम आपका परिचय पा जाते, तो पहले तो आपके कभी दर्शन नहीं हुए। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, मैंने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, कबहुन आशीर्ष कीन गुसाई,
ए गोस्वामी जी महाराज, पहले तो आपने ऐसा कभी गुस्सा नहीं किया, किंतु एक बात पूछूं, यही धनु पर ममता की हेतु, इस धनुष पर इतनी तुम्हारी ममता क्यों है? एक बात कहूं, कोई त्यागी बैरागी हो ना, महाराज जी आए नहीं तो नाराज हो जाते। एक बार अपने श्रीधाम वृंदावन में मैंने भागवत की कथा सुना रहा था, तो लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो महाराज समुद्र मंथन बंद हो गया था और सब बैठ गए कि शायद लक्ष्मी जी हमारे गले में बरमाला डाल दे, हमारे गले में बरमाला डाल दे। और लक्ष्मी जी महाराज किसी को पसंद करने वाली नहीं हो तो नारायण की है, नारायण के पास जाएंगी। तो मैंने कह दिया, चाहे त्यागी हो चाहे बैरागी, लक्ष्मी सबको चाहिए। देखो सब लग गए लाइन में, अपने तो विनोद में कह करके निकल आए। एक हमारे संत प्रवर सुन रहे थे, वो त्यागी परंपरा के थे और ये भी एक सरनेम ही है, समझ लीजिए। जैसे अन्य सरनेम होते हैं आप लोगों के यहां, साधुओं के यहां जैसे होते हैं ग्रस्तों के यहां, वैसे साधुओं के भी ये सरनेम ही हैं। इसके पीछे ये नहीं कि जो त्यागी लिखता है वो त्यागी ही है, जो सरस्वती लिखता है वह सरस्वती का ही अवतार है। ये सन्यासियों में भी 10 सरनेम होते हैं, शंकराचार्य जी परंपरा के जैसे ये शरीर सरस्वती परंपरा में है, कोई अरण्य परंपरा में होता है, अन्य गिरी परंपरा, बहुत सारी 10 परंपराएं हैं इसमें। ऐसे वैष्णवों में भी बहुत सारी परंपराएं हैं। तो मैंने तो ऐसे कह दिया त्यागी, मैंने परंपरा के आधार पर नहीं कहा, त्याग के आधार पर कहा कि जो त्याग करता है वो त्यागी है। वो महाराज महात्मा ने हमारा निकलते ही अचला पकड़ लिया, बोले तूने कहा कि त्यागी हो या बैरागी सबको लक्ष्मी चाहिए, सन्यासी को नहीं चाहिए, तू सन्यासी का चेला है उसका नाम नहीं लिया। हमने कहा महाराज जी माफ कर दो, कल मैं उनका भी नाम ले दूंगा, लक्ष्मी सबको चाहिए। तो हम कोई किसी विषय पर किसी की टिप्पणी नहीं कर रहे थे, ऐसे हमने कहा कि त्यागी हो या बैरागी, कोई वैराग्य प्रधान व्यक्ति हो, त्यागी व्यक्ति, उससे कह दो तुम उससे ज्यादा ममता क्यों करते हो, क्या बात है? वो भगत से बहुत तुम्हारी ममता है, समझ लो उसको सबसे बड़ी गाली है ये, क्योंकि महात्मा को किसी से भी ममता नहीं रखनी चाहिए। ममता माने ये मेरा है ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। महात्मा को ठाकुर से केवल ममता का भाव रखने का हेतु है कि भगवान हमारा है, आराध्य हमारा है, संसार हमारा नहीं है, संसार का कोई व्यक्ति हमारा नहीं है। और लखनलाल जी ने सीधे परशुराम जी पर यही प्रहार किया, क्या बात है, इस धनुष से आपकी बहुत ममता है। जो सुना तो महाराज परशुराम जी कोप में आ गए और कहा, रे नृप बालक काल बस, ऐसा लगता है कि निश्चित वजूद से तो काल के वशीभूत हो गया है, तेरी मौत समीप आ गई है, तो ही बोलत तो ही न संहार, क्योंकि बोलता तो संभाल करके नहीं है। अरे जो तू उपमा दे रहा है ना, धनु ही समत्र पुरारु धन, अभी कह रहा था कि बचपन में मैंने धनु ही बहुत तोड़ दी, और कहां तेरी छोटी छोटी धनुया और कहां ये भगवान शंकर का धनुष, तू दोनों की उपमा एक कर रहा है। कारण क्या है? लगता है तो मृत्यु के वशीभूत हो गया है विदित सकल संसार। जिस धनुष को हमारे दुश्मन ने तोड़ा है, निश्चित रूप से उस धनुष के बारे में पूरे संसार को पता है, तो तेरे को भी पता होगा कि वो कोई सामान्य धनुष नहीं था, वह एक विशेष धनुष है भगवान शंकर का। और उस धनुष को तू सामान्य धनु ही के साथ संपर्क कर रहा है, बता रहा है, उपमा दे रहा है। लखन फिर मुस्करा गए। आप देखेंगे लखन की विशेषता नारायण यहां है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अवध धाम की जय। पूज्य संत चरण, पूज्य त्यागी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। तुरंत में निवेदन कर रहा था आप सबके सन्मुख, परशुराम जी महाराज कोप में आकर के कहने लगे,
कि तूने सामान्य धनियों के साथ तपुरारी के धनुष की बात कही है, लगता है तेरी मौत नजदीक है। मैं निवेदन कर रहा था कि यहां जो लखन का बोलने का ढंग है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस सब पूरे प्रसंग में श्री लखनलाल जी बोलते तो हैं किंतु चेहरे की आकृति नहीं बदलती है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता रहता हूं, क्रोध आया है कि बुलाया गया है, दोनों में फर्क है। यदि क्रोध बुलाया गया है, आपने क्रोध का आवाहन किया है, तो क्रोध आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। आप कहोगे क्रोध बुलाया गया का अर्थ क्या है? हमने कई बार देखा है, कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता या कोई उपद्रव करता है तो माताएं क्या करती हैं, बड़ी बड़ी आंखें निकालकर अपने बच्चे को डांटती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत गुस्से में है, किंतु वही मैया पीछे मुख करके मुस्कुरा भी लेती है। ये क्रोध बुलाया गया है, ये क्रोध आया नहीं है। मां को पता है कि इस बालक पर यदि हम कोप नहीं करेंगे तो बालक बिगड़ जाएगा। ये कोप खतरनाक नहीं है। अगर कोप को आपने गुस्सा को बुलाया होगा तो गुस्सा आपके बस में होगा, और यदि बिना बुलाए आ जाएगा तो उस पर आपका अनुशासन नहीं रहेगा। आप इस पर विचार करना एकांत में बैठ करके। क्रोध मिटाया नहीं जा सकता है। आप लोग यदि कोई सोचो, हमने महाराज बहुत लोगों को देखा है, अगर कोई कहे कि हमारे में क्रोध नहीं है, मैं ये समझ सकता हूं कि क्रोध बहुत कम आता है, ये हो सकता है, किंतु नहीं है, ये संभव ही नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने मानस रोगों का जहां उत्तरकांड में वर्णन किया है, हैं सबके लख बिरले पाए, एक दोष सबके अंदर है किंतु लख बिरले पाते हैं। ये काम क्रोध लोभ सब में है, हां किसी के अनुशासन में है, किसी के अनुशासन में नहीं है। और जिनके क्रोध काम क्रोध अनुशासन में है वो निंदनीय बिल्कुल नहीं है, जिनका अनुशासन नहीं है उस पर वो निंदनीय है। कई बार लोग काम को भी निंदनीय कहते, मैं कहता हूं काम भी निंदनीय नहीं है, क्रोध भी निंदनीय नहीं है, लोभ भी निंदनीय नहीं है। निंदनीय ये तब हो जाएंगे जब इन पर आपका अनुशासन नहीं होगा, ये आप उनके बसीभूत हो जाओगे। अगर आप काम को निंदनीय मानोगे तो हम आप सब जितने यहां बैठे हैं सब हम लोगों का जन्म निंदनीय हो जाएगा, क्योंकि हमारे मां बाप के चित्त में काम ना आया होता तो ये शरीर पैदा ही नहीं होता। मूल में काम है, किंतु काम यदि धर्म के अनुसार पर है, अनुशासन में है, अरे नारायण चार पुरुषार्थों में काम का नाम है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो ये निंदनी कैसे हो सकता है? निंदनी तब होगा जब ये इसमें मर्यादा नहीं होगी, इसमें अनुशासन नहीं होगा, कब कहां कैसे किसका प्रयोग करना है इसका पता नहीं होगा। इसलिए क्रोध भी निंदनी नहीं है, क्रोध में अनुशासन होना चाहिए। श्री लखनलाल जी ने जितनी बातें कही हैं, मैं तो कई बार इसको पाठ करता हूं रामचरितमानस का, अभी तो हमने पिछले नवरात्र में बैठकर संपूर्ण रामायण का पाठ किया पूज्य रमेश भाई ओझा जी के साथ में, क्योंकि तो वहां कथा थी हमारी, सुबह टाइम पूज्य भाई श्री हमारे पाठ करवाते थे और हम पाठ करते थे रामायण का सब लोग बैठकर, और सायंकाल ये शरीर कथा सुनाता था व्यासपीठ पर बैठ करके, तो पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी कथा बैठकर सुनते थे। तो संयोग से हमको पूरा रामचरितमानस का कई दिनों के बाद, क्योंकि कथा में व्यस्त होने के कारण समय नहीं मिलता पाठ आदि करने का, तो वह नहीं कर पाता उतना, क्योंकि व्यस्त जीवन ज्यादा है और ज्यादा भागवत की कथा करते हैं तो ज्यादा चिंतन भागवत की ओर रहता है। तो इस बार में जब पाठ कर रहा था तो पाठ करते करते जब दोहा चौपाई पर हमारी दृष्टि जाती थी तो कई जगह हम गदगद हो जाते थे पाठ करते करते,
कि लखनलाल जी की वाणी में भले क्रोध लगता है किंतु क्रोध है नहीं उनके अंदर, क्योंकि आप देखिए इधर कह रहे कि परशुराम जी क्रोध में आकर तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है, लगता है तेरे मौत तेरे को यहां लेकर आई है, किंतु लखनलाल जी क्या कहते हैं, वो लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंस करके बोले, लखन मुस्कुरा करके बोले महाराज मुझे तो ऐसा लगता है सुनऊ देव सब धनुष समाना, सारे धनुष समान हैं, और भैया का क्षति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। इतनी बढ़िया बात कही है लखनलाल जी का, जो चिंतन है ना बहुत ऊपर है, उस चिंतन पर अभी परशुराम जी नहीं पहुंच पाए हैं। श्री लखनलाल जी महाराज का मानना है, इसको समझने लायक है, बोले पुराना धनुष चाहे बना रहता तब भी लाभ का नहीं था और टूट गया तब भी काम का नहीं, इससे ना हानि है ना लाभ है। हमारे लखन जी मुस्कुरा कर सोच रहे थे बड़ी समस्या है, ये टूटा नहीं था तो एक महापुरुष परेशान थे, ये टूटा नहीं तो जनक जी परेशान थे, और टूट गया तब भी ये परेशान एक महापुरुष। समाज में ध्यान रखना, सब लोग खुश नहीं हो सकते हैं, आप चाहे कोई भी क्रिया करो निश्चित रूप से कोई ना कोई परेशान होगा, सब लोग उस क्रिया से प्रसन्न हो जाएं ये संभव ही नहीं है। हम कई बार देखते हैं आप कितने अच्छाई से जियो तब भी कोई ना कोई विरोधी आपके जीवन में मिल जाएंगे, क्योंकि कहा जब टूटा नहीं था तब भी एक परेशान और टूट गया तब ये दूसरे परेशान हैं। और उन्होंने कहा कि देखो महाराज एक बात कहें, हमारे रघुपति ने धनुष को तोड़ा ही नहीं है। किसने तोड़ा, बोले छुअत टूट, अरे उन्होंने हाथ लगाया वो टूट गया, क्योंकि पहले से टूटा टूटाया था, अगर वो नहीं टूटा, कई बार होता कि पहले से चीज टूटी रखी हो अपने छुओ तो टूट जाए, अपने राम तो कई बार होता था क्लास आदि में कोई चीज टूट जाए ना तो हम सोचते थे कि निश्चित रूप से हमारा प्रोफेसर नाराज होगा तो उसके टेबल में ही रख देते थे। एक बार तो हमारे प्रोफेसर एक थे बड़े एमए कर रहे थे उस समय, महाराज रूल लिख चलते थे, बड़ा क्रोधी थे छत्री थे, तो अपने राम उनकी डंडी को घुमा रहे थे टूट गई। अब जब टूट गई तो हमने सोचा कि उनको पता चला गई तो मैंने तोड़ा है तो बरस पड़ेंगे, तो उसको बड़े संभाल करके उनके टेबल पर ही रख दिया जैसे रखी थी। अब वो आए और उठाया तो टूट गई, अब उन्होंने कहा किसने तोड़ा, तो कहा कि आपने तोड़ा, क्यों आपने उठाया और आपसे टूटी तो तोड़ने वाले आप ही है, तो कहा वो टूटी टूटाई रखी हुई थी, धनुष की बात जो कर रहे हो वो टूटा टूटा था, यहां किसी ने कुछ किया नहीं है। महाराज जो इस प्रकार से कहा इसमें आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, महाराज मुनि बिनु काज करी कत रोसु, बिना कार्य के आप इतना रोष क्यों कर रहे हो। महाराज जो कहा श्री परशुराम जी महाराज धनुष लेकर के और अपना फरसा लेकर के दिखाते हुए, रे सठ सुने स्वभाव न मोरा, लगता है तू मेरा परिचय जानता नहीं कि मैं कौन हूं, ये देख रहा है ना फरसा, केवल मैं बालक समझ करके तुझे छोड़ रहा हूं, नहीं तो अभी तक तेरा काम पूरा हो चुका होता, सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और बहुत क्रोधी हूं और सारा विश्व जानता है कि क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं और तू क्षत्रिय बालक है, तेरे को पता नहीं है जिसकी 1000 भुजाएं थी उसकी भुजाओं को मैंने ही काटा था, अरे राजा के बालक जरा इस फरसे की ओर देख, लगता है तू अपने माता पिता को सोच बस करना चाहता है, इस फरसे ने महाराज गर्भों को भी दलंत करने वाला सामर्थ्य रखता है। इतना कहने के बाद फिर हमारे लखनलाल जी मुस्कुरा पड़े, अच्छा पहले तो मुस्कुराए थे अब हंसे, ऐसे हंसे कि वह हंसी परशुराम तक, बिहस लखन बोले मृदुवाणी। अच्छा एक बात बताओ, क्रोध में यदि कोई होगा तो मधुर वाणी बोलेगा, जैसे मैं कहूं कि वकील साहब आज तुम्हारे ऊपर बहुत नाराज हूं मैं, किंतु कल आ जाना कल गाली सुनाऊंगा,
ये नाराजगी बिल्कुल झूठी है। नाराज जिस समय होंगे उसी समय बोलेंगे। तो ये परशुराम जी महाराज के सामने जो लखन बोल रहे हैं, मधुर वाणी बोल रहे हैं, हंस करके बोल रहे हैं, इसका अभिप्राय कि क्रोध बिल्कुल नहीं है। और एक रसीली बात आपको बता दें, शायद यहां कोई पुराने लोग समझदार होंगे तो शांत समझ जाएंगे। हमने बहुत वर्ष तक पहलवानी की, क्योंकि जिस स्कूल में हॉस्टल में पढ़ने के लिए गया वो आरएसएस वालों का था और महात्मा जी उसको संचालन करने वाले थे, वो महात्मा थे पहलवान। तो हृष्टपुष्ट बालक किसी को देखते थे तो कहते थे पहलवानी करो, तो अपने को पहलवानी कराते थे। और उनका स्वभाव था सुबह सुबह उठाकर दंड बैठक करवाना, दौड़ाना, सब पूरा शरीर स्वस्थ रहे। तो संयोग से कई बार बाहर के पहलवान आते थे तो कहते थे कि एक काम करो, इनके साथ जोर करो, ये दांव सिखाएंगे। एक महाराज भारत का बड़ा प्रसिद्ध पहलवान था, चंदगी राम नाम था उसका। उस अखाड़े में पहुंच गया तो महाराज जी ने कहा कि इसको जोर कराओ। वो जोर क्या कराए, हमको उठाकर पटक दिया और हमको उठने ही न दे। महाराज क्या करे, जो उठना चाहे तो हाथ मार करके फिर हमको अखाड़े में कर दे। मैं बहुत परेशान हो गया और उसने इतना मारा हमको घुटने घुट, उसके बाद हमने पहलवानी छोड़ दी। उसने इतना मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, हमने कहा ये ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। तो हमने तुरंत मिट्टी लेकर के उसके आंखों में मिट्टी भर दी। अब उसको दिखाई नहीं पड़ने लगा तो छोड़ दिया उसने। तो बाद में हमको उसने कहा कि ये भी एक दांव है। तो हमने कहा समझ नहीं पाए दांव क्या है। बोले कि जब पहलवान से जीत न सको उस पहलवान को गुस्सा दिला दो, तो गुस्सा जाने के बाद फिर दांव नहीं लगते हैं। आप लोगों के यहां भी ऐसे ही होता है, वकालत में भी सामने वाले वकील को ऐसा कुछ उलझा करके ऐसा गुस्सा दिला दो कि उसको कानून नहीं सूझेगा, क्या बोलेगा उसी को पता नहीं, और आप लोग भी फिर उसी में पछाड़ देते हो उसको कि दांव से यदि ना हारे, कानून से ना हारे तो क्रोध दिला दो। क्रोध में फिर बुद्धि पर अनुशासन नहीं रहता है, फिर क्या बोलेगा कैसे बोलेगा अपने ही दांव में फंस जाता है वो। तो ये महाराज एक युक्ति है। परशुराम जी महाराज को जानबूझकर लखनलाल जी गुस्सा दिला रहे थे तो हंस करके पुनः बोल पड़े। बोले महाराज एक बात कहूं, बार बार हमको ये फरसा दिखाते हो, क्या तुमने हमको समझा है कि फूंक कर उड़ा दोगे, कि फरसा दिखा करके हम डर जाएंगे। अरे बाबा यहां कुम्हड़ बतिया को नाही। आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं, कुम्हड़ा होता है कुम्हड़ा, उसकी जो बतिया होती है फूल के बाद छोटी सी लगी हुई है, उसको यदि छू दो तो फिर वो नष्ट हो जाती है। ऐसे एक छुई मुई की घास होती है, उसको आप स्पर्श कर दो तुरंत कुम्हला जाती है, मुरझा जाती है। तो ये कह रहे हैं कि हम यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है कि आप दिखाओगे फरसा और आंख दिखाओगे तो हम महाराज देख करके जे तर्जनी देख मरी जाए, तर्जनी उंगली दिखाया तो मर गए। महाराज बार बार कर करके कहा कि एक बात बताएं कि वैसे तो मैं एक बात आपको सलाह दूं, अगर मान सको, आप इतने सब अस्त्र शस्त्र काय को रखते हो, इधर परसा इधर धनुष। मुझे तो लगता है कि जैसे कि जब कोई धनुष बनाने वाला होता ना, धनुष बनाने वाला, बाण बनाने वाला, तो जब धनुष बाण सब बेचने के लिए निकलता है तो सब टांग लेता है इधर इधर इधर। तो हमको लगता है आप वीर नहीं हो, ये धनुष बाण बनाने वाले हो, बेचने के लिए आए हो, इधर दिखा रहे हो इधर दिखा रहे हो, ये ले लो ये ले लो ये ले लो, पूरे अपने शरीर ही में लगा रखा है, ये बार बार दिखा रहे हो, कारण क्या है। और एक बात कहूं महात्मा जी, हमारे कुल की ये मर्यादा है, आप इतना बोल रहे हो, अभी तक तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर देता, किंतु मैं मारता इसलिए नहीं हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। हम क्षत्रिय है ना, कुल वाले, तो देवताओं पर और ये ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर और गाय पर, इन पर हम लोग महाराज कभी प्रहार नहीं करते हैं। और बात भी है, इनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं, आपसे लड़कर क्या फायदा। अगर आपको मार देंगे तो लोग कहेंगे बेचारे ब्राह्मण को मार दिया, तब भी कोई कीर्ति नहीं मिलेगी।
और हमने ब्राह्मण को मार दिया तो एक ब्रह्म हत्या और लगेगी। हारने में भी अपकीर्ति, जीतने भी अपकीर्ति और इतना बड़ा कलंक। और इसलिए महाराज बधे पाप अपकीरत हारे, बधने से पाप लगता है मारने से, और हारने से भी महाराज कीर्ति अपकीर्ति होती है। इसलिए मारत हूं पाप परी तुम्हारे, बार बार तुम्हारे पैर इसीलिए पड़ रहे हैं कि दोनों में लाभ नहीं है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। महाराज एक बात कहूं, बोलो क्या कहना चाहता है? बोले ये बेकार सब अस्त्र शस्त्र धारण करते हो, ये आपके काम के नहीं है। या ऐसे महात्मा जैसे रहो तो ठीक है। और दूसरी बात एक और बता दू, जिसका इतना कठोर वाक्य हो, वाणी जिसकी कठोर हो, उसको बाण रखने की क्या जरूरत है? आपकी बातें इतनी कठोर हैं, व्यर्थ धरो धन बाण कुठारा, ये बेकार कुठार धारण करते हो, आपकी वाणी से ही लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे। महाराज इस प्रकार से कहा तो अब लखन की ओर नहीं देखा, विश्वामित्र जी की ओर देख करके कहा, विश्वामित्र ये तुम्हारा चेला बहुत मूर्ख है, मंद है, और कटकुलिस काल बस निज कुल घालक, ये निश्चित वर्ष काल के बस में होकर आया है, ये रघुवंश का कलंक है। निकन महाराज तुम कैसे गुरु जी हो उसके? तुमने बताया नहीं कि अपने से बड़े लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए? तुम्हारा जैसा गुरु होकर के अपने शिष्य को भी शिक्षा नहीं दे पाया है, निश्चित रूप से अभी काल के बस हो गया है, और बाद में तुम हमको दोष मत देना, निश्चित रूप से अब ये महाराज आएगा। जब ये महाराज कहा तो लखन फिर मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा करके कहा कि महाराज एक बात कहूं, आज तक हमने आपकी चर्चा किसी और से सुनी नहीं, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। अरे कम से कम दूसरा कोई अपनी तुम्हारी बात बताए तो भाई प्रशंसा भी मानी जाए। देखो एक बात कहें, वीर आदमी रण पा करके युद्ध करता है, बातें नहीं बनाता है। आप मेरे सामने अगर युद्ध करना है तो युद्ध करो, बात मत करो। और वो तो बात ये है कि मैं जनेऊ देख लेता हूं इसलिए छोड़ता हूं, नहीं तो मैं छोड़ने वाला ही नहीं था। जब ऐसी बात बोले तुम्हारे अनुचित कही, सब लोग पुकारे, सब लोगों को लगा कि निश्चित रूप से ये अनुचित हो रहा है, लखन ये ज्यादा बोल रहे हैं। सब लोगों की दृष्टि गई तो रघुपति सहनन लखन निवारे, यही निवेदन कर रहा था कि हमारे बस में हमारा क्रोध हो। लोग जब हाय हाय करने लगे तो हमारे राघव ने कुछ बोला नहीं, आंख से देखा, केवल आंख से, और तिरछी चितवन देखा, और समझदार के लिए इशारा काफी है कि बस अब बंद करो, बोलना जरूरी नहीं है। आंख से आंख में बात हो गई। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान। उनको इशारा किया, आकर के राम जी के पीछे बैठ गए और हाथ जोड़ करके कहा, नाथ ये बालक है और आप इतना क्रोध कर रहे हैं, दुधमुहा बालक के ऊपर इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं है। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, ये आपका प्रभाव नहीं जानता है। अगर आपका प्रभाव जानता होता तो निश्चित रूप से आपके सामने ऐसा नहीं बोलता। और कोई बालक यदि ऐसी बात बोलते भी हैं तो माता पिता महाराज प्रमुदित होते हैं कि देखो ऐसे उसको बोलना आ रहा है, गुस्सा नहीं होते। करी कृपा सुस सेवक जानी, आपका ये सेवक है, शिशु है, आप तो महात्मा ज्ञानी हैं, कृपा कीजिए। और राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, राम जी ने जब इस प्रकार से वाणी बोली तो परशुराम जी महाराज थोड़ा प्रसन्न हुए, ठंडा हुआ क्रोध, और जो ठंडा हुआ तो हंसत देख नकसिक रिस व्यापी, जो महाराज थोड़े शांत हुए तो परशुराम जी महाराज को देखकर परशुराम जी खूब ठहाका, लखनलाल जी हंस पड़े, और जो हंसे तो फिर क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर के कहा कि तुम्हारा ये भाई पापी है, देखो, और तुम दोनों मिले हुए हो, तुम लोगों ने दोनों ने योजना बना रखी है कि एक कठोरता का व्यवहार करेगा, एक मधुरता का व्यवहार करेगा। तुम्हारी अनुशासन के कारण ही महाराज ये निश्चित रूप से आज मुझको पता चल गया,
मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे। ये महाराज देखने में तो सुंदर है किंतु इसका मन बहुत मलिन है, जैसे कनक के पात्र में कोई स्वर्ण के पात्र में विष भर दे, ऐसा ये है। महाराज ये बोल रहे थे तब तक फिर हमारे राघव ने कहा, अति विनीत मृदु शीतल बानी बोले राम जोर जुग पानी। कहा कि महाराज आप तो महात्मा हैं और ये बालक है, बालकों का महाराज ऐसा ही स्वभाव होता है, आप इस पर क्रोध मत कीजिए, आप इस बालक को क्षमा कीजिए। जो महाराज इस बात कही तो फिर दिखा करके बोले इसको बताओ हमारे इस फरशे का प्रभाव। और महाराज जब बताएं, लखनलाल जी को लगा कि एक बात कहें, सीधा आदमी होता है तो लोग उसको दबाते हैं, हमारे प्रभु सीधे हैं तो बार बार ये दिखा रहे हैं, तो आकर फिर खड़े हो गए और कहा कि गुरु जी एक बात बताऊं, दुनिया से यदि दुश्मन समाप्त करना चाहते हो तो एक शस्त्र मेरे पास में है, तुम्हारे सारे दुश्मन समाप्त हो जाएंगे, दूं आपको शस्त्र। परशुराम जी और क्रोध में आकर के और कहा कि वो शस्त्र ये है, सुन लो बाबा जी, बिहसे लखन कहा मन माही, क्या कहा, बोले मूंदे आंख कतहु को नाही। बाबा यदि बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो आंख बंद कर लो। और जब इस प्रकार से कहा तो महाराज जी कुपित हो करके फरसा लेकर जो मारने के लिए बढ़े तो हाथ ही नहीं बढ़ रहा है, न फरसा चल रहा है न हाथ बढ़ रहा है। हमारे एक महात्मा कहते थे कि लखनलाल जी ने कहा कि तुम्हारे हाथ ने और फरसे ने हमको पहचान दिया किंतु तुम नहीं पहचान पाए अभी। क्यों, कैसे पहचान लिया कि मैं कौन हूं? आप लोग गणित पढ़े ही हैं, जानते होंगे, शेष कभी कटता है किसी से? माना इतना अंक है और भाग दिया, भाग देने के बाद जो शेष बचता है वो शेष कटता है? शेष को कोई काट सकता है? तो कहा कि तुम्हारा फरसा तो पहचान गया कि ये काटा नहीं जा सकता, और हाथ भी पहचान गया कि काटा नहीं जा सकता, किंतु अभी आप नहीं पहचान पाए। परशुराम जी महाराज को लगा कि इस हाथ के प्रभाव से मैंने जाने कितने लोगों का वध किया है, किंतु महाराज ये बढ़ क्यों नहीं रहा है? तब तक हमारे श्री राघव ने पुनः आकर के कहा कि महाराज एक बात कहूं, आप हमसे हर मामले में बड़े हो। कैसे बड़े हैं? मेरा नाम राम है और आपका नाम परशुराम है, तो राम मात्र लघु नाम हमारा, हम आपसे कैसे झगड़ सकते हैं? हमारा तो नाम है, नाम में ही लघुता है हमारे, हमको लोग राम कहते हैं और आपको परशुराम कहते हैं, तो नाम राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा, देव एक गणु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। महाराज मेरे पास तो एक ही गुण है और आपके पास नौ गुण है, तो गुणों में भी महाराज ब्राह्मण के नौ गुण होते हैं, गीता में भी बात रखी गई, देवी भागवत में भी है, ये गीता में तो हमारे जीवन धन ने गिनाया है और गिना करके महाराज उन्होंने कहा 18वें अध्याय में बात रखी गई है, समो दम तपस्सौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये ब्राह्मण के महाराज कर्म है नौ कर्म, और ब्राह्मण के और लक्षण भी नौ हैं, कौन कौन, ऋजुः तपः, ये महाराज तपस्वी, एक तो ऋजु स्वभाव का हो, तपस्वी हो, संतुष्टः ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए, सुतिर सुचिर दान्तः जितेन्द्रियः दाता विद्वान दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर गुणैः। ये ब्राह्मण के नौ गुण हैं, इसलिए देव एक गुण धनुष हमारे और नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, आपके तो नौ गुण हैं, इसलिए सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे, ए ब्राह्मण देवता हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए। रही बात, आपको लगता है कि मैंने धनुष तोड़ करके अभिमान पाल लिया है, सच कहूं तो धनुष हमने तोड़ा ही नहीं है, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, हमारे छूते ही पिनाक टूट गया ही,
मैं कहीं हेतु करूं अभिमाना? महाराज किस कारण से मैं अभिमान करूं कि मैंने धनुष तोड़ा है? हमने तो कोई पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो अभिमान किस बात का? मैं तो सत्य कहता हूं भृगुकुलनाथ, हमारा सर आपके सामने है, चाहो तो उसको काट दो। ये देख करके महाराज इनको लगा कि ये सामान्य नहीं हो सकता कोई। और हमारे एक महात्मा कहते थे कि इनका भगवान श्री राघव का उत्तरी थोड़ा हटा, और जो उत्तरी हटा हवा के झोंके से, तो राम जी के वक्षस्थल पर भृगुलता देख ली। और ये भृगुलता केवल नारायण के होती है, दूसरे के नहीं होती। जो महाराज देखा तो इनको शंका हो गई कि निश्चित रूप से ये परमात्मा है, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और एक निवेदन कर दूं नारायण, छोटी छोटी बातों में क्रोध में आ जाने वाला बड़ा नहीं होता है, बड़ा वो होता है जितना सहनशील होता है। बड़े की पहचान उसके महाराज क्रोध से नहीं होती, उसकी सहन शक्ति से होती है। आप लोग भागवत सुने होंगे कई बार, जब भृगु महात्मा तीनों अवतारों में महाराज तीनों रूपों में ब्रह्मा विष्णु महेश में श्रेष्ठ कौन है ये पता लगाने के लिए गए, तो यही पता लगा के आए कि नारायण सर्वश्रेष्ठ है। क्यों नारायण सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि भृगु जी महाराज जब वहां गए और जाकर के उनके वक्षस्थल पर चरण मारा, भगवान ने चरणों को वंदन करके कहा, महाराज आप आए, आपके स्वागत में मैं नहीं खड़ा रह पाया, अपराध माफ हो, हमसे अपराध हो गया। तब भृगु जी ने संतों की सभा में कहा कि श्रेष्ठ विष्णु है, जो सहनशील है वह श्रेष्ठ है, जो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है वह श्रेष्ठ नहीं है। इनकी सहन शक्ति को देख करके, इनकी वाणी की मधुरता को देख करके, ऋजुता को देख करके, शील को देख करके परशुराम को लगा कि कोई सामान्य पुरुष नहीं है। और जिसके भाई को मैं मारना चाहता हूं, हमारा हाथ बढ़ता नहीं है, कोई कारण जरूर है। तो जब शंका हुई तो शंका के निवारण के लिए उन्होंने काम किया, राम रमापति करधन लेहू, उनके पास श्री नारायण का जो धनुष था और कहा इस धनुष को आप चढ़ा दीजिए, एक धनुष तोड़ा है तो इसको भी चढ़ा दीजिए। और इसके चढ़ते ही महाराज खैचो मिटे मोर, इसको खींचे मेरा संदेह मिटा दीजिए। महाराज जो देने को सोचा धनुष, तो धनुष अपने आप चल करके उनके पास चला गया। आप लोगों को मैं निवेदन कर दूं कि भगवान की सेवा में जितने आने वाले पदार्थ हैं सब चिन्मय है। भगवान का शरीर भी हमारे आप जैसे मृणमय नहीं होता, चिन्मय होता है। और भगवान की सेवा में आने वाले जितने पदार्थ हैं, कहां तक कहें, उनका उत्तरीय, उनके आभूषण, उनके हमारे एक महात्मा थे, हम कई बार उनको वंदन करते थे, अवध में रहते थे, हमारे इस पर बहुत अनुग्रह उन्होंने किया, संत प्रवर्षी गोपालाचार्य उनका नाम था, रामानुज परंपरा के। उन्होंने महाराज एक दिन हमको बड़े प्रेम से, संकेत में उनका एक शिष्य था वृंदावन में ही, दरवाजा उसने बहुत तेजी से बंद किया, तो पूज्य संत चरण ने कहा कि उससे गलती मांगो, कि मेरे से गलती हो गई। सेवक ने दरवाजे से गलती मांगी। बाद में उस महापुरुष ने हम लोगों को समझाया कि भगवान की सेवा में आने वाले जो पदार्थ होते हैं ना, वो तो चिन्मय है ही, पंचपात्र भी चिन्मय होते हैं। इसलिए माताओं आपसे हमारी प्रार्थना है कि ठाकुर जी की सेवा में आने वाले पदार्थ, थाली है, कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, ये सब ऐसे जूठन में नहीं डालना चाहिए, अलग धोना चाहिए, और जूठे रखने भी नहीं चाहिए, उनको संभाल कर फिर रख देना चाहिए। क्योंकि भले जड़ हैं किंतु वो चेतन है, हमको उनकी जड़ता दिखती है, चैतन्यता दिखती नहीं है, किंतु सब चेतन है। भागवत में, पुराण में सब जगह इस चैतन्यता का वर्णन है। अब देखिए धनुष भी चैतन्य है। एक रामायण में तो बड़ी अद्भुत कथा है,
जब हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के गए तो मुद्रिका ने ही सारी कथा सुना दी। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा, हनुमान जी महाराज ने नहीं सुनाया, वहां वर्णन है। मुद्रिका से जब श्री जानकी जी ने पूछा कि हमारे प्रीतम का कैसा हाल है, तो मुद्रिका ने कहानी बताई, क्योंकि मुद्रिका भी चैतन्य थी। तो भगवान की सेवा में जितने आने वाले पदार्थ है नारायण, सब चैतन्य है, क्योंकि हमारे यहां वैष्णव परंपरा में सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, तो ये सामीप्य मुक्ति जो भक्तों को मिलती तो कैसे मिलेगी, भगवान के समीप जाए तो कैसे भगवान के समीप जाएंगे, भगवान के कपड़े बन जाएं, भगवान के आभूषण बन जाएं, भगवान के शस्त्र बन जाएं। भक्तमाल में तो महाराज एक भक्त की कथा है, और वो संत अवध में रहते थे, राम जी की आराधना करते थे। जब राम जी के दर्शन हुए तो राम जी ने कहा वर मांगो, तो संत ने कहा यदि वर देना चाहते हो तो आप अपने धनुष बाण हमको दे दो। तो भगवान से धनुष बाण मांग लिया, और वो धनुष बाण जीवन भर साधना की, और उस धनुष बाण की कृपा से सब कुछ उनको मिल जाता था जो चाहिए। तो उनके शिष्यों ने सोचा कि ये धनुष बाण काम का है, इसी को चोरी करके ले चलो, गुरु जी को क्या काम का आएगा, कल्प वृक्ष जैसा काम करता है। तो चेला लोग उठाने लगे तो उठा ही नहीं, हार गए उठा उठा करके, क्योंकि अगर वह चिन्मय होता तो, चिन्मय न होता तो उठ जाता, सारे आभूषण आदि चिन्मय। तो ये सब जो भगवान की सामीप्य मुक्ति चाहते हैं कि भगवान की हमको सामीप्य मुक्ति मिल जाए, तो ये भगवान के आभूषण बन करके, भगवान के शस्त्र बन करके ऐसे महाराज पहुंच जाते हैं। आपको बताएं वो बड़ा दिव्य प्रसंग है, हम कई बार उसका चिंतन करते तो हृदय भर आता है। गुजरात में एक संत हमारे वैष्णव परंपरा के गए, भक्तमाल में चरित्र है। तो उन्होंने कहा कि कोई न कोई अपने जीवन में एक नियम रखना चाहिए, देखो भाई ये ध्यान रखना। एक बालक सुन रहा था कथा, तो उसने महाराज कहा क्या नियम रखें, गुरुजी बोले तुम एकादशी रखने का नियम रख लो, वैष्णव एकादशी रखो, द्वादशी विद्या, वो एकादशी रहने लगे। और अहमदाबाद के पास गांव की घटना है, और उस बालक ने नियम बनाया कि दसवीं के दिन सुबह मैं चलूंगा और एकादशी को शाम तक मैं द्वारिका पहुंच जाऊंगा, द्वारिका, और रात्रि में द्वारिका के दर्शन करूंगा और वहीं भजन करूंगा, फिर सुबह आ जाऊंगा। वर्षों तक महाराज उसका नियम चला, वर्षों तक। जब शरीर रुग्ण होने लगा और अब हिम्मत न पड़े जाने की, 80 साल के जब हो गए लगभग वो भगत जी, तो ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा कि अब मैं रोज एकादशी को नहीं आ पाऊंगा। तो द्वारिकाधीश ने, मूर्ति ने उनको कहा कि नहीं, तुम अगर नहीं आओगे तो हमको चैन नहीं पड़ेगा, एक काम करो ना, तुम नहीं आ सकते तो मेरे को भी तुम अपने पास ले चलो, हम वहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। भगत ने कहा कि जरूर ले चलेंगे आपको, किंतु ध्यान रखो मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, यहां आप लोग को पंडा पुजारी 56 प्रकार के व्यंजन बनवाते हैं और आपको भोग लगाते हैं, दिव्य दिव्य श्रृंगार करते हो, मैं तो गरीब व्यक्ति हूं, बाजरे की रोटी खाता हूं, जो खाऊंगा सो खिलाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा तब भी हम चलेंगे, अंगली एकादशी को तुम आ जाना। अब भगत बेचारा सोचने लगा कि हम तो पैदल जाते हैं पैदल आते हैं, ठाकुर जी को कैसे पैदल लाए, तो किसी से बैलगाड़ी मांगी और बैलगाड़ी मांग करके उस बैलगाड़ी को सजाया, और सजा करके महाराज लेकर के गया। जब एकादशी को शाम को पहुंचा तो अब इतने वर्षों का नियम था, करीब उनका 70 साल का नियम रहा होगा लगभग, तो वहां के सब लोग उनसे परिचित थे भगत जी से। तो जब भगत जी से सब परिचित, तो सोचे कि ये आज गाड़ी लेकर कैसे आया है, पूछा तो किसी को बताया नहीं कि क्यों गाड़ी लेकर आया हूं। रात्रि में मंदिर की आरती हो गई, सब लोग सो गए, तो ठाकुर जी ने इनको इशारा किया कि पीछे आ जाओ और पीछे से हमको उठा कर ले चलो।
तो जो पीछे गए तो श्रीमान जी सब जितने आभूषण थे, हीरे के, सोने के, चांदी के, सब पोटरी बांध बांध के रख लिया था ठाकुर जी ने, और कहा भगत जी ये गाड़ी में रखाओ और इसी से बेच बेच करके वहां खूब खर्चा करेंगे। तो भगत बड़ा निर्मल था, रो पड़ा, बोले कि हम ये नहीं लेंगे, आपको चलना हो तो आप अकेले चलो, नहीं तो कल चर्चा होगी तो लोग यही कहेंगे कि चोरी करके ले गया सब सामान, और मैं आपका भक्त होकर के जगत में आपका नाम कलंकित नहीं करना चाहता हूं। लोग यही कहेंगे कि भक्ति के नाम पर चोरी करने आया था, सब चुरा के ले गया। और जब महाराज वो भगवान आभूषण रखने गए तो आभूषणों ने ठाकुर जी को कहा, ये देखो चैतन्यता, आभूषणों ने ठाकुर जी को कहा कि आप जा रहे हो तो मुझे अकेले यहां क्यों छोड़ जा रहे हो, आप नहीं रहोगे तो हम अपने सौभाग्य को कहां सराहेंगे, आप अपने अंग से लगा लेते हो तो अपने को हम धन्य मानते हैं, हम तो आपकी सेवा के लिए ही, हम संत जन ही आभूषण बनकर आए हैं। भगवान ने कहा भाई मेरे भगत का मन नहीं है तो मैं नहीं ले जा सकता, और नहीं ले गए। प्रातःकाल महाराज जब वहां से निकले तो सब पुजारी लोग आए, वहां आभूषण सब रखे थे पोटली बांधे हुए, और ठाकुर जी नदारद द्वारिका में। अब जब ठाकुर जी नदारद तो चिंतन होने लगा कि चोर तो नहीं ले गया है, क्योंकि चोर ले जाता तो इतने कीमती आभूषण छोड़ नहीं जाता। जो रात्रि में शयन करते समय कपड़े द्वारिकाधीश को पहनाया था वही पहन करके गए, दूसरे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो ये निश्चित रूप से वो भगत ले गया है, क्योंकि पहले कभी गाड़ी लेकर आया नहीं और भगत ही ले गया है, इसमें कुछ गड़बड़ मामला है। सब महाराज लेकर अस्त्र शस्त्र दौड़े नौ युवक, कौन ले गया कौन ले गया। तो रास्ते में जब आने लगे सब शोर करते हुए, तब भगत जी ने पूछा कहो श्रीमान जी अब तो आफत आई, तुमको ले आए तुम्हारी भी पिटाई होगी, मेरी तो होगी होगी। अब उन्होंने कहा बाप पास में महाराज सरोवर था, बोले हमको यहां छुपा दो और ये चले जाएंगे तो फिर आपके साथ चल पड़ेंगे, जल में हमको छुपा दो। भगत जी ने उठाकर ठाकुर जी को छुपा दिया, और छुपा देने के बाद महाराज जब आए तो पूछे तुम ठाकुर जी लाए हो, तो सत्य तो महाराज बोलने वाले भक्त तो बोला कुछ नहीं भक्त, तो बोले ऐसे नहीं ये मानेगा, पिटाई करो उसकी। खूब पीटा तब भी नहीं बताया कि हम लाए हैं, चारों तरफ खोजा तो ठाकुर जी नहीं मिले। महाराज बाद में आपको जानकर आश्चर्य लगे, एक नवयुवक ने उनके भाला मार दिया, और भाला मारा तो इधर से चुभ करके उधर निकल गया और वो मूर्छित हो गया। अब भगत मूर्छित हो गया तो सोचे कि अब तो मर गया, बताएगा कौन, कोई बताने वाला नहीं है। इधर उधर खोजने लगे तो जिस सरोवर में पड़े थे ना ठाकुर जी, उस सरोवर से पूरा पानी खून खून हो गया, पूरा पानी खून हो गया। सोचने लगे कि यहां से खून कैसे निकल रहा है, लगता है कोई यहां पड़ा है, और निकाला तो वो भाला भगत को नहीं लगा था, वह द्वारिकाधीश को लगा था, घाव द्वारिकाधीश के। अब द्वारिकाधीश को कहा कि तुम चलो वापस, बोले अब हम नहीं जाएंगे, आप लोग दूसरे मंदिर बनाओ। अभी जो द्वारिकाधीश में ठाकुर जी वो उस पुराने नहीं है, पुराने वाले तो चले गए, बोले हम तो इसी भगत के साथ जाएंगे और हम नहीं जा सकते तुम्हारे साथ। ठाकुर जी आज भी, आप लोग कभी मौका मिले द्वारिका गुजरात जाना तो रणछोड़ राय के दर्शन करना, ये अभी भी दिव्य दर्शन है, ये अहमदाबाद डाकोर में, अहमदाबाद में, और वहां भी आज भी पुजारी लोग जिस पर बहुत महाराज प्रसन्न होते हैं ना, पुजारी लोग उनको पट्टी देते हैं, ठाकुर जी को रोज पट्टी बांधी जाती है, आज भी घाव है, ठाकुर जी को रोज रात्रि में पट्टी बदली जाती है, छाती में पट्टी बांधते हैं, और वह महाराज बाद में जो भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं उनको दिया जाता है प्रसाद के रूप में। आप कभी जाना तो मांगना तो लोग देंगे। तो मैं निवेदन इतना कर रहा था आपसे कि भगवान के प्रत्येक आभूषण दिव्य हैं,
तो परशुराम जी महाराज का भी धनुष कोई सामान्य तो है नहीं, वो दिव्य धनुष, और अपने स्वामी को नारायण पहचान गया। और जो परशुराम जी ने देना चाहा, राम रमापति करधन लेहू, ऐसे बढ़ाया, महाराज खींचो मिटे मोर संदेहू, इसको खींचो हमारा संदेह मिटा दो चढ़ा, तो देत चाप आप ही चली गए। वो आपको बताएं, उसको देना नहीं पड़ा, अपने आप चला गया धनुष। जब अपने आप चला गया तो परशुराम मन विस्मय भयो, श्री परशुराम जी महाराज के मन में विस्मय हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, ये जान गए कि साक्षात परमात्मा है। जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात, हृदय में प्रेम भरा हुआ है, छलक रहा है वाणी से। जय रघुकुल महाराज रघुवंश बनज बन भानु, ये जय जय नौ बार कहा है इन्होंने। नौ बार माने कहा है कि जो नौ गुण हमारे हैं सब आपके चरणों में समर्पित है, और समर्पित करके श्री परशुराम जी महाराज आराधना करने के लिए चले गए। क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा मंदिर हैं आप दोनों भाई। कई जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनही बन हेतु, वह चले गए। अब तो जितने राजा थे सब डर गए। राजाओं ने विचार किया, भैया ये परशुराम से हमको डर लगता है, सबको मारने वाले परशुराम जिसके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं तो निश्चित रूप से वो सबसे बड़े हैं, इनसे अब दुश्मनी ठीक नहीं है। देवताओं ने दुंदुभियां बजाई हैं और परितः नारायण पुष्पों की वर्षा होने लगी। बोलो राघवेंद्र सरकार की। अब सब जनकपुर में आनंद मना रहे हैं। इधर हमारे श्री सतानंद जी महाराज की आज्ञा मानकर धावक अवध की ओर गए हैं, और वह कैसे बरात लेकर आते इसकी चर्चा अब हम 5 मिनट के बाद करेंगे। आप सब भजन का आनंद लीजिए। हम सब जनकपुर में ही रहते हुए ऐसा लगे कि जनकपुर का हम सब आनंद ले रहे हैं। अभी बहुत दिव्य बरात आने वाली है, और बरात में भी बहुत अद्भुत अद्भुत चरित्र सुनने को भी आपको मिलेंगे। क्या एक से एक दिव्य पात्र है यहाँ के, उस सब चर्चा का हम सब आनंद लेंगे। इसके पहले हम सब एक भजन का रस ले लें, उसके बाद से इस चर्चा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री दूल्हा सरकार की। श्री राधे, हमारे आपके बीच में भगवान श्री राम की सुंदर गाथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए कोरबा लोकसभा से पधारे माननीय सांसद डॉक्टर बंसीलाल महतो, वो मंच पर आएंगे और महाराज श्री को माल्यार्पण करेंगे और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राधे। करुणा निधान रहुआ
दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री मनवारी मनवारी लाल अग्रवाल जी महाराज श्री से आशीर्वाद लिए हैं। बड़े प्रेम से आप मीठी मीठी ताली बजाएंगे इनके लिए और ठाकुर जी के लिए भी। जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, गाइए निधान रहुआ जगत के दाता है। तार देली मती के फेर देली विपत के तार देली, मती के फेर देली विपत के तार देली, मती के फेर देली विपत के तार देली। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान भगवान रहुआ जगत के दाता है, भगवान रहुआ गाइए हो जगत के दाता है, जगत के दाता है। हाँ जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, सगवई खैलो भक्त विधुर घर गईलो प्रेम से सगवई खैलो, भक्त विधुर घर गईलो प्रेम से सगवई खैलो, भक्त विधुर घर गईलो प्रेम से सगवई खैलो। ऐसे उतार रहुआ जगत के दाता है, ऐसे उतार रहुआ जगत के दाता है, ऐसे उधार रहुआ जगत के दाता है, जगत के दाता हो जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। हाँ जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है।
के हो। कीवट से चरण धुओली गीध की गली लगोली, कीवट से चरण धुओली गीध की गले लगोली, केवट से चरण धुओली गीत के गले लगोली, केवट से चरण धुओली गीत के गले लगोली। कृपा समाज रहुआ जगत की धरवाहें, कृपा समाज रहुआ जगत के दाता, कृपा समान रहुआ जगत की दाता है, 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 हाँ जगत की दाता है, जगत की दाता है, जगत की दाता है, जगत की दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत की दाता है, गज को बार देली, ग्राहक को तार देली, गज को बार देली, ग्राहक को तार देली, गज को बार देली, ग्राहक को तार देली, गज को बार देली, जानी जावानी रहुआ जगत की दाता है, जानी जावानी रहुआ जगत के दाता है, जाने जान रहुआ जगत के दाता है, जाने जान से ताली बजाते हुए वो जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, मैया सबरी घर गई लो प्रेम से बिरवई खैलो, मैया सबरी घर गई लो प्रेम से बिरवई खैलो, मैया सबरी घर गई लो प्रेम से बिरवई खैलो, मैया सबरी घर गई लो प्रेम से बिरवई खैलो, करके बखान रहुआ जगत के दाता है, करके बखान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, सरकार की। श्री दूल्हा
सरकार की। हमारे श्री याज्ञवल्क महात्मा संत प्रवर श्री भरद्वाज जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए राम मंदाकिनी प्रवाहित कर रहे हैं। हमारे याज्ञवल्क महात्मा ने सुनाया कि गुरुजनों ने एक बात श्री जनक जी महाराज को कही, टूटत ही धनु भयो विवाहु। ये धनुष ही व्यवधान था बीच में और टूटते ही ब्याह हो गया। अध्यात्म जगत में नारायण इस अभिमान को ही धनुष माना है, ध्यान रखिएगा। अभिमान के टूटते ही हमारे अंतकरण में जो प्रेम है उस प्रेम के कारण परमात्मा के साथ हमारा मिलन हो जाता है। तो धनुष टूटते ही ब्याह हो गया और ये बात त्रिभुवन विदित है, देवता लोग भी जानते हैं, मनुष्य लोग भी जानते हैं, नाग लोग भी जानते हैं। ब्याह होने के बाद भी एक बात अभी अधूरी है। क्या अधूरी है? यदमर तदपि जाए तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारो। वैसे तो ब्याह हो गया किंतु अभी भी जो तुम्हारे वंश परंपरा की प्रणाली है, देखो नारायण इसकी भी महिमा है। ये वंश परंपरा में जो परंपराएं चलती रहती हैं उसके पीछे कोई न कोई हेतु होता है, कोई न कोई कारण होता है, उसका भी पालन करना चाहिए। और उसके जानकाल जो परिवार के वृद्ध लोग हैं, गुरु लोग हैं और वेद विदित जो आचार्य है वो भी पालन करना चाहिए। मैं निवेदन करूं कुल व्यवहार यदि वेद विरुद्ध हो तो उसको पालन नहीं करना चाहिए। वेद हमारे जीवन में अनुशासन का मूल केंद्र है। अगर कोई कुल परंपरा, जाति परंपरा, देश परंपरा ऐसी है जिसमें वेद का विरोध नहीं है, उसे पालन करने में कोई भी कष्ट नहीं है, कर लेना चाहिए। गुरुदेव ने बता दिया कि अब अपने सेवकों को अवध भेजो, वहां से श्री राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को बुलाओ, बारात लेकर के आएंगे और फिर वेद विधि के आधार पर जो बारात की स्वागत आदि की प्रणाली है वो होगी, फिर ब्याह होगा। जनक जी महाराज ने चतुर धावकों को, चतुर दो सेवकों को अवध भेजा है। और जब ये अवध गए, तुलसीदास जी महाराज हमारे कहते हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन। ये अवध श्री रामपुर है और बहुत पवित्र है। उस नगर को देख करके, अवध को देख करके, जो बड़ा सुहावना है, बड़े ये सब प्रसन्न हुए। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के दरबार पर जाकर के सेवकों को सूचना दी कि राजाधिराज को, हमारे सरकार को ये सूचना दीजिए कि हम लोग जनक से सेवक आए हैं श्री जनक जी महाराज के। सेवकों ने जब सूचना दी तो राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज उन सेवकों को कहते हैं कि उनको अंदर ले आओ। और जहां विराजमान थे महाराज राज दरबार में, उन सेवकों को बुला करके पूछा, तुम कहां से आए हो? उन सेवकों ने भी प्रणाम करके बड़े प्रसन्न होकर के कहा कि राजन, हम जनकपुर से आए हैं। राजाधिराज श्री जनक जी महाराज ने आपके लिए पत्रिका भेजी है। और जो महाराज उन्होंने पत्रिका पढ़ी,
पुनि धर धीर पत्रिका बाची हरसी सभा बात सुनी साची। पहले तो महाराज इन्होंने पत्रिका पढ़ी और पढ़ने के बाद इनके आंखों से आंसू निकलने लगे और बहुत आनंद में भर गए, कुछ कहा नहीं इन्होंने। जब दोबारा पत्रिका वाची गई तो पूरी सभा आनंद से भर गई। पत्रिका में ऐसा क्या लिखा है जो सब आनंद से भर गए। भरत जी महाराज को यह सूचना मिली, वो भी क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, दौड़ते हुए आए, पिताजी को प्रणाम करके पूछते हैं, तात कहां से पाती आई, ये पत्र कहां से आया है? हमारे दोनों भाई आनंद से तो हैं, कहां पर हैं, किस देश में हैं, कुशल से तो है। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने पुनः पत्रिका बांच करके सुनाई, दोनों भाई आनंद में डूब गए। नारायण इसमें हमारे श्री राघव का यश लिखा था। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के प्रति जो भेजी गई पत्रिका थी, सच कहें अपने रूप से, अपने शील से, अपने बल से, ये सब को राघव ने बस में कर लिया था। पहले रूप देख करके सब दीवाने हो गए थे और परशुराम जी महाराज जब आए तो उनके शील को देख करके लोगों को लगा कि राघव इतने सहनशील हैं, और उनके बल का प्रभाव तो देख लिया कि देश देश के जो राजा महाराजा आए थे तोड़ नहीं पाए धनुष, इन्होंने छूते ही धनुष तोड़ दिया। जब ये चर्चा महाराज उसमें पड़ी तो इतनी प्रसन्नता हुई राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज को, और बाद में उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ आप लोग, जनक जी ने हमारे बच्चों के बारे में क्या ऐसी विशेषता देखी जो उनको अपनी बेटी देने का संकल्प कर लिया? दोनों सेवकों ने कहा कि महाराज पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यू पुर उजियारे। तुम्हारे पुत्रों के बारे में तो कुछ पूछने लायक नहीं, वो त्रिभुवन के प्रकाश करने वाले हैं, और सारी की सारी कथा सुना दी और बताया कि वो सांवरे और गोरे बालक दोनों, उन्होंने पूरे जनकपुर को अपना बना लिया है। हमारे एक संत कहते थे, मूल में भी है, संत ने कहा कि राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने सेवकों से पूछा कि भैया तुम केवल उनके स्वरूप को, उनके बल को जानते हो, उनके स्वभाव को भी जानते हो कि नहीं, कहीं वो दूसरे कोई तो नहीं है जिनकी देख करके तुम आए हो? गोरा और सांवरा तो कोई हो सकता है, किंतु स्वभाव बताओ कैसा है उनका। जब स्वभाव के बारे में पूछा तो दोनों सेवक रो पड़े और कहा, महाराज एक बात कहूं, हमारी तो विलक्षण दशा हो गई है, जब से मैंने उनको देखा है तब से अब कोई दूसरा दिखता नहीं है। देव देखि तव बालक दोऊ, अब न आंख इतर आवत को। और सच में नारायण, एक बार यदि ठाकुर की रूप माधुरी हमारे नेत्रों का विषय बन जाए तो दुनिया में फिर कोई सौंदर्य हमारे चित्त को खींच नहीं सकता है। दक्षिण भारत की घटना है, एक उद्योगपति व्यापारी अपनी पत्नी पर छाता लगा के चलता था। वह जब स्नान करने जाती थी नदी में और वह छाता लगाकर उल्टा चलता था, हमारे पूज्य आचार्य प्रवर भगवदावतार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की करुणा जगी उस व्यक्ति पर। ये संतों की करुणा कब कहां किसके ऊपर जग जाए कुछ पता नहीं। अपने सेवक को भेज करके कहा कि उसको लेकर आओ,
धनुर्दास राम, लेकर आओ उनको। जाकर के कहा कि आप चलो, आपको आचार्य प्रवर बुला रहे हैं। मना कर दिया। फिर पत्नी ने कहा कि आप इतने संत, बड़े संत को मना करते हो, जाओ ना वहां, क्या बात है, क्यों बुलाया है। जब वो वहां गए, जाकर आचार्य प्रवर को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि महाराज कैसे इस दास को बुलाया आपने। बोले आज मैंने देखा कि आप पत्नी पर छाता लगाकर चल रहे थे, वो भी उल्टा चल रहे थे, यदि गिर गए तो चोट लगेगी, शरीर शांत हो सकता है, ये उल्टा क्यों चलते हो। महाराज ईमानदार थे। मैं निवेदन कर दूं, भगवान के दरबार में कपट नहीं चलता। आपके चित्त में काम है, स्वीकार करो, क्रोध है स्वीकार करो, लोभ है स्वीकार करो। वहां आपको पवित्र बनकर जाने की जरूरत नहीं कि हम पवित्र होंगे तभी स्वीकार करेंगे। रामचरितमानस में भगवान कहते निर्मल जन, निर्मल मन जो मुहि भावा, जो निर्मल मन वाला है वो हमको भाता है। तो मन की निर्मलता क्या है, कैसे मन निर्मल होगा। बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन का कपट, मन का गंदा होना है, कपट आ जाना, ये भगवान को पसंद नहीं है। तो बड़ा निर्मल हृदय का व्यक्ति, उसने कहा सरकार माफ करना, मैं क्या करूं, रूप का दीवाना हूं। मैं सोचता हूं यदि सीधा चलूंगा तो पत्नी का रूप दिखेगा नहीं, मैं जितना अधिक से अधिक उसको निहार सकता हूं उसको निहारने के लिए उन्मुख रहता हूं। आचार्य प्रवर ने कहा कि यदि इससे ज्यादा सुंदर दिखा दूं तो, बोले इसको छोड़ दूंगा। बंधुओं ध्यान रखना, जितने रूप के दीवाने हैं ना, ये मत सोचना कि आज हमारे रूप पर दीवाने हैं तो जिंदगी भर दीवाने ही बने रहेंगे। जो आज तुम्हारे रूप पर दीवाना है कल दूसरे के रूप में दीवाना हो जाएगा, क्योंकि तृप्ति उसको तब मिलेगी जब परम धन परम रूप मिलेगा भगवान का। संसार में तो पूर्णता किसी में भी नहीं है, न शब्द में, न स्पर्श में, न रूप में, न रस में, न गंध में, किसी में पूर्णता नहीं है। इसलिए संसार में सब अपूर्ण ही बने रहते हैं, सब प्यासे ही बने रहते हैं, और प्यासे होने के कारण कहां कब कौन भटक जाएगा कुछ पता नहीं। ईमानदार था तो उसने स्वीकार किया कि महाराज अगर आप इससे ज्यादा सुंदर दिखा दोगे तो इनका परित्याग कर दूंगा। हमारे आचार्य प्रवर श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, ये सब भगवदा अवतार है, इन्होंने ले जाकर श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन कराए, और जो दर्शन कराया, रूप देखा रंगनाथ भगवान का, महाराज उसके बाद वो मंदिर छोड़कर के कभी कहीं गया ही नहीं। किंतु मैं निवेदन कर दूं, कभी भी प्रतिमाओं को आप अपनी आंखों से मत देखना, किसी संत की आंख से देखना। यदि आप मंदिर की प्रतिमाओं को देखोगे तो अपनी आंख से, तो यही सोचोगे कि महाराज किस पत्थर की बनी है, कितनी पुरानी होगी, किस कारीगर ने बनाया है। हमारे पास ठाकुर जी जिनकी मैं आराधना करता हूं, अब तो मैंने उनको विदेश ले जाना बंद कर दिया, नहीं तो जहां जाते थे साथ ही रहते थे। अभी कुछ दिनों से साथ हिंदुस्तान में रहता हूं तो साथ रखता हूं, विदेश नहीं ले जाता उनको। आप कहोगे क्यों नहीं ले जाते, क्या कारण है। कारण यही है कि जब लौट करके आता हूं ना बाहर से, और यहां हमारी चेकिंग होती है कि कुछ बाहर से माल तो नहीं लाया है, तो हमारे ठाकुर जी को सब कहते हैं सोने के हैं, ये सोने की ठाकुर जी नहीं है, सोने भी सोना भी क्या उनके सामने कीमती है जी। और बार बार मशीन में डालते हैं, बार बार गंदे हाथ लगाते हैं, तो हमको पीड़ा हुई, हमने कहा कि नहीं इनको ले जाएंगे, क्योंकि उन विचारों के बावजूद में ठाकुर जी की कीमत सोने से लगाते हैं कि सोने के हैं, इतना सोना कैसे ले आए,
इसकी रसीद दिखाओ। मैं कहता हूं सोना नहीं है भाई, तो हमारे आराध्य ठाकुर है, परंपरा से मिले हमको, हमारे गुरुजनों के हैं। विश्वास ही नहीं होता लोगों को, तो मुझे लगता है सब अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसे मंदिरों में हम जाते हैं तो कहते किसने बनवाया, कहां बनाए, कब बने, कितने साल पुराने हैं। हमको ठाकुर जी के विग्रह में ठाकुर नहीं दिखता है, मूर्ति दिखती है। और जिस दिन किसी संत की दृष्टि से आप देखना प्रारंभ करोगे, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि पत्थर है, कितना पुराना है, किस धातु के बने हैं। आपको लगेगा साक्षात श्री ठाकुर बैठे हुए हैं, और है ही वो ठाकुर। श्री धनुर्धर जी महाराज ने जब देखा इतना सुंदर विग्रह, ऐसा सौंदर्य आज तक नहीं देखा था महाराज, ऐसे दीवाने बने कि जब श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर खुलता था तो अपलक दृष्टि से उनको निहारते थे, अपलक दृष्टि से। और जब मंदिर बंद हो जाता था तो वहीं दरवाजे पर सो जाते थे। ऐसा प्रेम बढ़ा, ऐसा प्रेम बढ़ा, आपको क्या कहें, तो बड़ा दिव्य चरित्र है महाराज। भगवान जब उनको रात्रि में ठंडी लगती थी ना, तो भगवान जो उनके ऊपर उड़ा हुआ पदा महाराज साल था होता था, रजाई कंबल जो भी हो, तो उनको निकालकर बाहर उड़ा जाते थे। प्रातःकाल मंदिर खुलता था तो सब लोगों को लगता था आश्चर्य कि ये तो हम ठाकुर जी को उड़ा कर गए थे, रंगनाथ भगवान को इसके ऊपर कहां से आ गया। कई बार तो जो ठाकुर जी के लिए पानी का पात्र अंदर रखा जाता था, श्रीमान जी निकाल करके बाहर उसको रात्रि में पिला देते थे, इतना प्रेम हुआ। तो मैं निवेदन इसलिए कर रहा था आपको कि जो सौंदर्य की निधि है ठाकुर, एक बार यदि उनको कोई देख ले तो महाराज फिर दूसरा उनकी आंख के सामने कोई आएगा नहीं। इसलिए धावक कहते हैं देव देख तव बालक दोऊ, अब न आंख तर आवत को, अब दूसरा कोई हमको दिखता ही नहीं है, उनके अतिरिक्त कोई भाता ही नहीं है। महाराज इतने आनंद में भरे हैं। और जब दोबारा रनिवास को बुला करके महाराज फिर पत्रिका सुनाई गई, रानियां बड़े आर्षित हो गईं और प्रमोदित है सब लोग नगर के। ये देख करके महाराज वशिष्ठ जी महाराज आए तो वशिष्ठ जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राजन एक बात कहूं, वैसे तो ये नदियां जो सागर में जाती हैं तो सागर को कोई जल की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जल पहले से ही सागर में भरा हुआ है, किंतु तब भी ये नदियां वहां जाती हैं। जिमि सरिता सागर मह जाही, जैसे सरिताएं सागर में जाती हैं, यद्यपि ताही कामना नाहीं, उसे कामना नहीं है कि नदियां हमारे पास आ जाए और जल लेकर के आए, वैसे ही तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाई सुभाए। जैसे सागर के पास नारायण नदियां पहुंच जाती हैं, वैसे जो व्यक्ति धर्मशील है उसको भले कामना न हो कि हमारे पास संपत्ति आए, सुख आए, तो जैसे सागर निष्काम होने के बाद भी नदियां वहां जल ले जाती हैं, वैसे धर्मशील व्यक्ति भी कामना शून्य हो तब भी उसके पास संपत्ति पहुंच ही जाती है। और मैं एक निवेदन और भी कर दूं, जिसके जीवन में धर्म है उसके पास यदि धन होगा और धन यदि भगवान को भी चाहिए तो भगवान न उससे धन छीन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान भी धन छीन नहीं सकते, उसका सामर्थ्य नहीं है। हां भगवान को भी धर्मशील से धन लेना होगा तो मांग करके ही लेना पड़ेगा। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध में आपको मिलेगा। श्री बलि जी महाराज के यहां धर्म था, उनका जीवन धर्मपूर्वक था,
अब बलि जी से यदि धन लेना है तो भगवान छीन नहीं पाए, भगवान को भी मांग कर लेना पड़ा, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा सुरक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा सुरक्षा करता है, वह सुरक्षित हो जाता है। कई लोग महाराज हमारे पास आकर कहते, महाराज जी मैं तो ईमानदारी से व्यापार करता हूं इसलिए घाटा आ गया, अगर बेईमानी से करता होता तो मेरे पास भी माल बहुत होता। ये भ्रम में हो, आपको जो भाषा समझ में आ गई उसी भाषा के आधार पर आप जी रहे हो। ये जो बेईमानी से धन तुम्हारे पास आएगा तो ज्यादा दिन नहीं रह पाएगा, ईमानदारी से आया हुआ ही धन परंपरागत चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने इतनी बात सुंदर कही, बोले सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। ए राजा अधिराज श्री दशरथ जी महाराज, तुम्हारा जैसे सुकृत व्यक्ति आज तक न हुआ है न होगा, तुम बहुत पुण्यशाली हो, और यदि पुण्यशाली न होते तो तुम्हारे यहां साक्षात भगवान पुत्र बनकर के नहीं आते, तुम्हारा हर काल में कल्याण होगा। अब सजा साज सजाओ चलो। रनिवास को बुलाकर जब यह सूचना नारायण दी गई तो बड़े प्रसन्न है, राजा भी बड़े प्रसन्न है। राजा सुनकर के महाराज उस सूचना उन सेवकों पर इतने प्रसन्न हुए थे कि जो नौलखा हार गले में पड़ा था उनको देने लगे, और जो महाराज देने लगे उन दोनों ने कान पकड़ लिया, आंख बूंद ली और कहा महाराज राम 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 राम, हम आपसे लेंगे। ये जनकपुर के नारायण सेवक हैं, क्या बात है आप मेरे से क्यों नहीं लोगे। महाराज कोई भी अपनी बेटी जहां ब्याहता है वहां का पानी भी नहीं पीता है, वहां का अन्न नहीं खाता, और हमारी सिया जो यहां आएंगी मैं तुम्हारा दिया हुआ धन ले लूंगा। हमारे एक संत कहते थे, पूज्य संत प्रवर सिंह मामा जी हमारे नारायण भक्तादास नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, और सच में नारायण इन धाम में रहने वाले लोगों की आज भी वैसी ही निष्ठा है। हम तो कई बार चिंतन करते हैं और इन संबंधों को आज भी निभाते हैं श्री किशोरी जी। उन लोगों ने कहा कि हम भले सेवक हैं किंतु वह बेटी हमारे बेटी के समान है। महाराज ऐसे ध्यान रखती थी सिया जो सेवकों का भी, पता नहीं आज सभी समाज में कहां से दूषण आ गया है, और माफ करना अगर हम गलत कह रहे हों, कतिपय नेताओं ने अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज का बंटवारा कर दिया, कतिपय नेताओं ने, मुझे बहुत पीड़ा होती है। कई बार हम देखते हैं जाति के नाम पर जो जहर घोला जाता है, एक स्तर के नाम पर जहर घोला जाता है। हम लोगों के यहां भी घर में सेवक थे, हमारे यहां जो काम करने आती थी माताजी नाई घर की थी तो हम लोग चाची कहते थे उनको। आप लोगों के यहां जो पुराने सेवक थे तो जैसे अपने बड़ों को हम सम्मान देते थे वैसे देते थे कि नहीं देते थे, तू करके भी न बुलाया जाए। हमारे घर के सदस्य हैं वो, हमारे अंग हैं वो सेवक, कि जो जातिवाद के आधार पर समाज का शोषण किया जा रहा है आज भी, मुझे तो बहुत पीड़ा होती है कई बार। और आप लोगों से निवेदन कर दें, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह, ये गुणकर्म के आधार पर विभाग है, और आपके हमारे शरीर में भी चारों हैं। हमारा जो मुख है वो ब्राह्मण है, हमारी ये जो भुजाएं हैं वो क्षत्रिय हैं, हमारा जो उदर है वो वैश्य है,
और हमारे जो पैर हैं वो शूद्र हैं। आप जरा विचार कीजिए, यदि पैर में कांटा लग जाता है तो आपका हाथ वहां जाता है कि नहीं जाता है? कोई भी व्यक्ति क्या अपने लिए जीता है? अब उदर में यदि अन्न जाता है तो क्या वो सब अपने लिए रखता है? वैश्य की चार वृत्तियां हैं किंतु उसको बंटवारा करके लेने का अधिकार है। सबका अपना काम है। और भागवत के आधार पर मैं एक बात कह दूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों का जो विलक्षण है, ब्राह्मण का धर्म मोक्ष है, क्षत्रिय का धर्म ध्यान दीजिएगा भोग है, काम है, और वैश्य का है अर्थ, पैसा कमाना, और शूद्र का धर्म धर्म है सेवा, इसलिए उसको हरिदास कहते हैं, हरिजन कहते हैं। यदि धर्म के लिए कोई धर्म करता है, एकमात्र चतुर्थ वर्ण वाला व्यक्ति करता है। नहीं, ब्राह्मण यदि धर्म का पालन करते हैं तो वह मोक्ष के लिए करते हैं, वो धर्म के लिए धर्म नहीं है, उनका धर्म मोक्ष के लिए है। क्षत्रिय जो धर्म करते हैं वो स्वर्ग आदि जाने के लिए, वो भी उनका धर्म के लिए धर्म नहीं है, उनका धर्म पालन है भोग के लिए। और वैश्य भी नारायण जो धर्म करता है वह धर्म धर्म के लिए नहीं है, उनका धर्म तो अर्थ के लिए है। किंतु जो हमारा चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति है वह जो धर्म करता है वह धर्म धर्म के लिए करता है, अर्थात वह सेवा के लिए धर्म उसका धर्म के लिए है। तो कहीं भेदभाव नहीं है। मैं भी एक दार्शनिक को पढ़ रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि उन सेवकों की आंखों में अश्रु भरे थे और कहा कि जानकी हमारी बेटी है, अगर हमको कभी कोई कष्ट हो जाए तो कहती थी बाबा आप बैठो मैं कर देती हूं, बाबा आप बैठो हम आपके मस्तिष्क में बाम लगा देती हैं। ये नहीं कि ये सेवक है तो हमसे दूर रहे, सेवक हमारा अंग बन जाए नारायण। ये राम राज्य की स्थापना की चर्चा में कर रहा हूं, अपने से उनको अलग मत करो। हां ये जरूर होता है कि हाथ हमारा गंदा है तो जब तक गंदा है तब तक हम भोजन में नहीं ले जाते, जब तक गंदा है तो हम मुख में नहीं ले जाते, बाद में उसको पवित्र करके तो हम उसको मुख में भी ले जाते हैं, भोजन में भी ले जाते हैं, देवताओं की सेवा में भी ले जाते हैं। कहीं अलगाव नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है। ये भेदभाव तो लोगों ने नारायण निजी स्वार्थ के लिए प्रकट किया है, तो अब तो कम से कम 21वीं सदी है, हम लोग आप लोगों को कहेंगे कि आप जाति से ऊपर उठो। हमको तो बहुत महाराज कई बार पीड़ा होती है, जाति के नाम पर ये चालाक लोग हमको बांट देते हैं और हम बढ़ जाते हैं, और इनका कोई जाति आती से लेना नहीं देना है, इनको तो केवल जाति के नाम पर भोग भोगना ही है, अर्थ का लाभ लेना है, पद का लाभ लेना है। तो कम से कम बुद्धि का विकास करके राष्ट्र के विकास में जो लगा हुआ व्यक्ति हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, हम तो वंदन करते हैं उसको। अब देखिए कैसा भाव है एक सेवक का, चतुर्थ वर्ण व्यक्ति का भाव है कि जानकी हमारी बेटी है, हम कैसे ले लेंगे उसके यहां जहां ब्याही जाने वाली है, और नहीं लिया उसने। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज भी ये व्यवहार देख करके गदगद हो गए कि वाह वाह, ऐसे परिवार से हमारी बेटी, हमारे घर में बहू आने वाली है। आजकल तो महाराज आपको बताएं, आपसे हमारी प्रार्थना ये भी सबसे है कि बेटियां भी हमारे ऐसा वर चाहती हैं जो अकेले रहने वाला हो, और ये दूल्हा भी लोग चाहते हैं कि ऐसे घर की लड़की आए जिसके घर में सदस्य कम हो। सामूहिक परिवार से बेटियां लेनी चाहिए और सामूहिक परिवार में देनी चाहिए, क्योंकि जो सामूहिक परिवार से बेटी आएगी ना, उस बेटी के अंतकरण में लोगों के प्रति आदर होगा। अब उस घर में बड़े बूढ़े हैं, ताऊ हैं, उनसे हैं, उनसे हैं, एक मां नहीं चार चार मां है, एक सास नहीं चार चार सासें हैं,
तो कम से कम वो लज्जा तो करेगी, उसके जीवन में मर्यादा पालन तो होगा। और जो बेटी अकेले घर से आई, उसके घर में कोई यही नहीं, बाप है और मैया है, तो दो के जाला संबंध समझेगी नहीं किसी को। सामूहिक परिवार की ओर भी दृष्टि जाए, और जिस परिवार के सेवक इस ढंग के उदार हों, तो निश्चित रूप से मालिक की भी उदारता समझ में आती है। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं, गुरुदेव की आज्ञा मान करके नारायण इन्होंने बारात की तैयारी की है। बड़ा दिव्य वर्णन है, क्या कहें, बाबा की भाषा को वंदन है। सब सज धज करके महाराज बारात यहां से चलती है, और राजाधिराज श्री जनक जी महाराज ने रास्ते में भी स्वागत की सारी तैयारियां की थी। और जब ये बारात जनकपुर पहुंची, जानी सी ये बारातपुर आई, जब सिया जी को पता चला कि बारात आ गई है पुर में, तो महाराज जानकर कछु निज महिमा प्रगति जनाई। क्या महिमा जनाई, हृदय सुमिरी सब सिद्धि बुलाई। अब सब सिद्धियों की खानी है हमारी मां जानकी जी ने सिद्धियों का संकल्प किया, सब आकर खड़ी हो गई। अणिमा लघिमा गरिमा आदि सब सिद्धियां, क्या सेवा है, क्या आज्ञा है। तो सियाजू ने कहा कि जाओ, हमारे ससुर साहब आने वाले हैं, उनकी पहुनाई करो और उनकी सेवा करो। सब महाराज रिद्धि सिद्धियां दौड़ पड़ी, और बारात का ऐसा स्वागत किया है कि बरातियों ने आज तक ऐसी सुविधा कभी देखी नहीं थी। ऐसी ऐसी बरातियों को सबको सुविधा दी गई है। और भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरस सुख सिंधु महु चले थांसी लेत। ऐसा लगता था कि मानो सुख सिंधु में डुबकियां लगा रहे हैं। जब आप पता चला राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज आ रहे हैं, तो थां लेते हुए गए हैं, उनका स्वागत किया है। सतानंद अरु विप्र सचिवगण मांगद सूद विदुष बंदी जन, सबको लेकर के महाराज बरात की अगवानी की है। और बरात की अगवानी करके इनको महाराज सबको आदर से सब जगह ठहराया गया है। और जब नगरवासियों ने देखा कि राजा के साथ भी दो पुत्र हैं, और जैसे पुत्र विश्वामित्र जी महाराज के साथ है, वैसे उनके साथ हैं, क्योंकि भरत राम की अस अनुहारी सहसा लख न सके नर नारी। भरत और राम की ऐसी महाराज रूप माधुरी थी, दोनों के बोलने का ढंग एक जैसा, दोनों सांवरे और दोनों की चाल एक जैसी, देखने का ढंग एक जैसा, दोनों मर्यादा में रहने वाले। लखन शत्रुसूदन एक रूपा, और हमारे श्री लखन लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी दोनों एक रूप थे। नक सिकते सब अंग अनुपा, सभी महाराज सुंदर थे। देख करके सबको आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे कैसे दो बालक उनके साथ, दो बालक इनके साथ, और सब आनंदित भी हो रहे हैं। जब हमारे श्री राघव को पता चला पिताजी आ गए हैं, तो मन तो था मिलने का, किंतु गुरुदेव की आज्ञा लेकर के नारायण गए मिलने के लिए। पिताजी अपने दोनों लालों को देख करके बहुत आनंद में भर गए हैं। और इधर बारात की तैयारी हो रही है, सब दूल्हा हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय घोड़े पर विराजमान हुए, तो ऐसा लगता है कि कामदेव ही घोड़ा बनकर के आया है। और इस रूप को देखकर, दूल्हा बने हुए राम को देख करके, हरि हित सहित राम सब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। आज साक्षात लक्ष्मीपति उनके दूल्हा के रूप को देखकर मोहित हो गए। शंकर को लगा कि हमारे तो नेत्र बहुत कम है, अगर नेत्र ज्यादा होते तो और दे। पंच महाराज नयन पंचदश अति प्रिय लागे, उनको ये अपने नेत्र बड़े प्रिय लग रहे थे। आपको बताएं, आज की सभा में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रसन्न था तो इंद्र प्रसन्न था। क्यों? इंद्र की आंखें बहुत थी। कारण क्या है? इसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारे शरीर में हजार भग हो जाएं। बाद में प्रार्थना की थी तो भग को ही नेत्रों में परिणित कर दिया था।
तो आज अनंत नेत्र जान करके उनके दर्शन करके बड़े प्रसन्न हैं। और सची शारदा रमा भवानी ये सब दिव्य दिव्य रूप धारण करके रनिवास में आ गई हैं, दिव्य दिव्य गीत गाए जा रहे हैं और सब आनंद ले रहे हैं। बाद में गुरुदेव ने आज्ञा दी कि महाराज अब समय हो रहा है, समय जान करके महाराज मंडप पर श्री राघव को ले जाया गया है और साक्षात महाराज आपको बड़े बड़े ब्राह्मण बनकर देवता आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणों का प्रवेश हो सकता था, चारों वेद ब्राह्मण बनकर के आ गए और सब विधि से महाराज ब्याह कराया जा रहा है। ये देख करके राम जी महाराज जब सिंदूर दान कर रहे थे, देख करके सब आनंदित हो रहे। भावर की चर्चा की गई है और जो नारायण भावरे पढ़ी तो हमारे श्री वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, इधर शांत हमारा इनके कुल आचार्य आपस में चर्चा कर रहे थे कि जनक जी महाराज के पास उनके भाइयों के सहित मिलाकर तीन बेटियां और हैं और हमारे पास भी तीन दूल्हा और हैं। आज मैं विचार कर रहा था, देखा मैंने इन आचार्यों ने राजा से भी नहीं पूछा, आपको बताए, और बेटियों से पूछने का कोई सवाल ही नहीं था, बिना पूछे ही तय कर दिया गया। आचार्य आचार्य में बात हुई और महाराज ये निश्चित हो गया कि यहां भरत जी महाराज का, लखनलाल जी का और शत्रुघ्न लाल जी का भी ब्याह हो जाएगा। मांडवी सुतकीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हकारी के, महाराज तीनों बेटियों को बुलाया गया और कुशकेतु कन्या प्रथम जो मांडवी उनकी कन्या है, गुणशील सुख स्वभामयी, महाराज जो गुणशील स्वभाव वाली सुंदरी है, स्वभांति प्रीति समेत करिसो ब्याह नृप भरत ही दे, उनका ब्याह भरत जी महाराज के साथ हो गया। ऐसे महाराज लखनलाल जी का विवाह उर्मिला के साथ हुआ, सुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी महाराज के साथ हुआ, ऐसे चारों बेटियों का यहां ब्याह हो गया और सब बहुत आनंदित हैं यहां। आपको बताएं जब श्री राघव हमारे चारों दूल्हा बैठ करके भोजन कर रहे थे, आजकल तो एक रात की बारात होती है कि एक रात में भी कम हो गई, पहले तो महाराज महीनों बारात रुकती थी, ईश्वर की कृपा से हमने बचपन में चार पांच दिन की बारात तो हमने भी की है, अब तो बारात में जाते ही नहीं है कहीं, 25-26 साल से तो कहीं जाना आना हुआ नहीं। पहले जब घर में तो जाते थे तो महाराज इतने दिन तक, पांच दिन तक बारात रुकती थी, ये तो बहुत दिन तक थी। और बारात महाराज अलग, कभी नौटाठी होता था, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोई प्रोग्राम, कभी कोवर में लेकर के गए, खूब रस बरसता था। एक दिन की बात है, ये चारों दूल्हा सरकार महाराज बैठ करके पा रहे थे प्रसाद, समय सुहावन गारी बिराजा, हंसत राव सुन चैत चकित समाजा, सब बैठ करके प्रसाद पा रहे थे और प्रसाद के साथ साथ जनकपुर की नागरियां गाली गा रही थी, किंतु गाली में गड़बड़ी हो गई। पता है क्या गड़बड़ी हो गई? राज की बात सुनो सजनी, एक सखी सुना रही है, राज की बात सुनो सजनी, मंडप में भय कौतुक भारी, मंडप में कौतुक हो गया। क्या कौतुक हुआ? जेवन बैठे जभी बार चार, महाराज ये चारों कुमार जब जेवन के लिए बैठे, सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी, जनक की नागरियां राजाधिराज सी जनक जी महाराज के महल की अटारी में चढ़ गईं और देखत राम को रूप अनूप, विमोह गई सब गावनिहारी, राम जी के रूप को देख करके ऐसे गावने वाली महाराज विमोहित हो गई, भूल गई अवधेश को नाम, राजाधिराज सी दशरथ जी महाराज का नाम भूल गई, भूल गई अवधेश को नाम, अरुदेन लगी मिथिलेश को गारी। महाराज ऐसा भगवान का रूप का चक्कर हुआ, आप जरा विचार सकते कैसा होगा,
आंगन में बैठ करके भोजन किया जा रहा, अब ये भगवान के रूप माधुरी को देख रही थी, और देखते देखते महाराज ऐसा हुआ कि वो भूल गई। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज का नाम उनको ध्यान नहीं रहा, और जनक जी महाराज मिथिलेश को गाली देने लगी। यहां ये लिखा है महाराज, ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें हो रही, वहां सब देख करके राजा जी आनंदित हो रहे हैं, प्रमुदित हो रहे हैं, और बार बार महाराज ये कहते हैं कि हम अब चलेंगे यहां से, अब कोहवर की चर्चा नहीं सुनाएंगे, यदि मैं घुस गया उसमें तो पूज मामा जी महाराज के संस्कार हैं तो फिर तो आज बरात हो ही नहीं पाएगी, पता नहीं मैं क्या करूं, कथा बढ़ नहीं रही है। मैंने तो आज सोच करके रखा था कि राम जी को कम से कम चित्रकूट तो पहुंचा ही देंगे, किंतु अभी तो हम बरात में ही अटके, बरात ही नहीं हुई पूरी, अब ये कथा पकड़ लेती है तो कोहवर में हम घुसेंगे नहीं। कोहवर के चरित्र बहुत विलक्षण विलक्षण है, कभी कोई आपको मिथिला के संत मिले, मिथिला प्रेमी, तो उनसे कोहवर की चर्चा सुनिएगा, एक से एक अद्भुत अद्भुत भाव है नारायण कोहवर के। इधर राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज जब चलना चाहते हैं बरात लेकर के, तो बहुत प्रेम से जनक जी महाराज उनको आग्रह करके रोक देते हैं। एक दिन अब हमारे श्री दशरथ जी महाराज ने कुमारों को कहा कि अब चल, कहो कि हमको चलना है। राजाधिराज श्री जनक जी महाराज का मानस तो नहीं था, किंतु विदा करना पड़ेगा, विदाई की नारायण तैयारी होने लगी। और जब श्री किशोरी जी की हमारी विदाई हुई है, आपको नारायण क्या कहें, सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राख पठाए। किशोरी जी के पास में जो तोता है, मैना है, सारिका है, जब किशोरी जी चलने लगी हमारी जनक नंदनी, तो ये सारिका आदि तोता आदि रुदन करते हुए पूछते, व्याकुल कहीं कहां वैदेही, ये सब पक्षी व्याकुल होकर के पुकारते हैं, उनकी पुकार सुनकर के कोई धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है, वहां के मृग वहां के पक्षी महाराज व्याकुल हैं। हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब पक्षी पशुओं की दशा है, मनुज दशा कैसे कही जाती, पक्षियों की जब ये दशा है तो मनुष्यों की दशा नारायण कौन कह सकता है। और जब ये विदा होने लगी तो माताओं ने नारायण श्री किशोरी जी को बहुत दिव्य उपदेश दिया है कि वहां जाकर कैसे रहना, माताओं को सिखाना चाहिए। महाराज इस प्रकार से उनको शिक्षा दे करके, और जब विदा का समय आया तो जनक जी महाराज भी भाव विभल हो गए और रोते हुए कहा कि महाराज आपने हम गरीब के साथ निभा लिया, ये आपकी करुणा है, आपकी कृपा है, ये आपकी दासी, अगर इसको कुछ ना आता हो तो इसको सिखा लेना, ये बेटी आपकी है, बहुत लाड़ प्यार में पली है, इसलिए हो सकता है इससे कुछ गलतियां हो जाएं, और आप तो क्षमा सिंधु हो। इस प्रकार से महाराज विनय भरे वाक्यों को कह करके इनको वहां से विदा किया है। सब लोगों ने नारायण भाव भीनी विदाई दी है। श्री किशोरी जी के कुछ सेवक दास दासी भी आए हैं, दहेज में खूब दिया गया है, वहां से आए तो रास्ते में, और महाराज होना भी यही चाहिए। वैसे हमारे यहां तो कहावत यह है कि वकील साहब को भी पता होगा कि गुजरा गवाही और लौटा बराती, इसकी फिर इज्जत नहीं होती है, कि होती है वकील साहब, जब तक गवाह न दे दे गवाह देने वाला, तब तक तो जो कहेगा उसको होटल में भी खिलाएंगे, जो कहेगा वहां लेके जाएंगे, जाते कि नहीं वकील साहब, गर्दन हिला दो तो हम पक्का मान लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि कहीं गड़बड़ न कर दे, किंतु गवाही पूरा हो जाने के बाद फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम लोगों तो महाराज हमने तो नियम ही बना के रखा है, अभी तक लगभग 500-600 कथाएं हो गई, मैं गिनता तो नहीं हूं, किंतु दो चार कथाओं में शायद ऐसा हुआ हो कि मैं कथा के बाद रुका हुआ हूं, नहीं तो अपने राम प्रयास यही करते हैं कि कथा पूरी होते हुए ही सीधे जाकर के गाड़ी में बैठो, घर भी मत जाओ,
क्योंकि काम पूरा हो गया, अब कोई पूछने वाला है नहीं, तो काय को किसी से आशा रखो। और हमारे गुरुदेव ने तो हमको कहा भी यही था कि कथा करने के बाद रुकना नहीं कहीं। तो लगभग ऐसे ही होता है हमारे साथ, कभी कहीं ऐसा हो जाए कि एक आध घंटे या एक रात्रि रुकना पड़े, इससे ज्यादा तो रात्रि के ज्यादा तो रुके ही नहीं कहीं। रात्रि कई बार साधन नहीं होता तो रात्रि रुक जाना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि महाराज जो निकलो तो वहां से चल पड़ो। अब की बहुत खुशी हुई हमको, ये बहुत कम होता है। ये मोदी परिवार की तरफ से जो व्यवस्था हमारी महाराज हुई रास्ते में, हमको बहुत अच्छा लगा, हम बहुत खुश भी हुए। नहीं तो जब वक्ता आ जाता है ना मंच के पास में, तब बड़ा भव्य स्वागत होता है। रास्ते में बेचारे को कोई पूछने वाला नहीं होता, कैसे आ रहे हैं क्या रहे, वो आपकी जिम्मेदारी है। किंतु हमारे राजेश जी मोदी ने, गोविंद मोदी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि सच में अगर वो व्यवस्था नहीं की होती तो शायद मैं आ भी नहीं पाता। मुझे प्रसन्नता भी हुई और सच में व्यवहार भी यही है। भागवत में जब वो प्रसंग सुनाते हैं तो हम बहुत गदगद हो जाते हैं। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका जाने लगे, आप पढ़िएगा तो श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने सेना भेजी उनके साथ, अपने निज लोग भेजे उनके साथ। ये नहीं कि काम पूरा हुआ तो अब कोई लेना देना नहीं है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, ये तो स्वार्थ का व्यवहार है जी। ये तो जो गवाही और बराती की बात, स्वार्थ पूरा हो गया, संबंध पूरा हो गया। किंतु वारे वाह जनक जी महाराज, जनक जी महाराज ने जैसे आते समय स्वागत किया था वैसे उनकी विदाई के समय भी स्वागत किया, रास्ते में सब व्यवस्था की है। और महाराज जब अवधपुर में ये बारात पहुंची तो वहां खूब आनंद मनाया गया है। महाराज नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कही मृदु वचन बुलाई रानी। और सबका सम्मान करने के बाद ये महाराज रानियों को बुलाकर एक बात कही है। हमारी आप सबसे प्रार्थना है, जिनके घर में बहू आ गई हो और या आने वाली हो, दोनों को ये कान खोलकर सुनना चाहिए। हमारे राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, बधू लड़कनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। ध्यान दीजिए भैया, राख्यो आंख पलक की नाई। जो लोग अभी कल में समाचार देख रहा था 26 जनवरी की वजह से, तो एक नाटक आता, नाटक का नाम तो पता नहीं हमको, उसकी एडवर्टाइज हमने देखी। वो सास आंख दिखा करके अपने बहू को कहती है कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी कोई नाटक आता नाम, क्या क्या है नाटक का नाम, जो भी हो, हमको लगा हे भगवान, ये आजकल सब आदर्श तो टीवी हैं लोगों के, अब ये टीवी देखेंगे तो सास भी अपने बहू को कहेगी कि बहू कभी बेटी नहीं हो सकती है, क्योंकि आजकल वही सब उसी में सिखा जाता है। आजकल बच्चों के गुरु नायक हैं और नायिकाएं हैं, क्योंकि आजकल शास्त्रों से सीखने की मर्यादा चली गई और वो सब नकली संबंध जीने वाले लोग, उनको महाराज संबंधों की क्या कीमत होगी। किंतु निवेदन यही है, आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने रानियों को कहा, बधू लड़कनी पर घर आई। आप जरा विचार कीजिएगा कि जो बेटी अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में आती है तो समय लगता है उसको वहां के आचार कुल परंपरा को समझने में, वहां के लोगों को रुचि समझने में। तो ऐसे उसकी रक्षा करनी चाहिए माताओं को, जैसे आप देखना कुछ आंख में सामने आने वाला हो तो तुरंत पलक बंद हो जाती है कि नहीं बंद हो जाती है। हम तो माताओं को कई बार कहते हैं, बहू से गलती हो जाए, कोई पूछे किसने किया है तो कहो ये मेरे से हो गई है। आप बहू की जब कवच बनकर खड़े हो जाओगे तो उसको लगेगा कि मां हमको बेटी जैसे प्रेम करती है।
अच्छा आप अपने बेटियों की करती हो कवच बनकर के सुरक्षा की? नहीं, चाहे जैसा अपराध हो जाए पिता भी पूछेगा तो आप बताओगे नहीं उसको, उसकी कवच बनकर के खड़ी हो गई। तो रामायण हमको यह सिखाती है कि हम बहू की भी कवच बनकर खड़े हो जाए और उसके त्याग का बंधन करना चाहिए कि वह सब अपने माता को पिता को भाई को कुल को परिवार को सब कुछ, महाराज अनजान घर में आई है अभी, आप उसके त्याग की बंधन की जगह उसकी आप खिंचाई करने लगो, उसकी निंदा करने लगो, उसके साथ आप, आजकल तो हमारी माताएं उनके साथ कंपटीशन करती हैं, हे भगवान ये बिल्कुल गलत तरीका है। अरे आपकी बेटी है उसको आप उसको ढंग से पालन करो, किंतु महाराज आप जैसा बीज बोगे वैसे काटा जाएगा। एक महात्मा ने हमको बताया, कहा कि एक जगह हम गए थे तो एक माता जी ने कहा कि महाराज जी मैं बहुत परेशान हो गई हूं, हमारे घर में बहू बड़ी विलक्षण आ गई है, तो कोई आपके पास मंत्रंत्र हो तो बता दो। तो बोले कैसी बहू है जरा बताओ? तो बोले सुबह सुबह हमको ही चाय बना के देनी पड़ती है, वो बेटी चाहिए उसको तो जब तक चाय न दे तब तक हम ही बना के देते, वो बना के नहीं देती है और कभी कुछ काम भी नहीं करती है, आज तक उसने एक गिलास पानी नहीं दिया, तो कोई मंत्र बताओ, हम चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। तो महात्मा जी ने कहा एक युक्ति है। बोले क्या युक्ति है? कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे अनुकूल है? बोले हाँ अनुकूल है। तो कहा एक काम करना, सुबह सुबह तुम झाड़ू लगाने लगना बेटे के कमरे के बाहर, दोनों मिलकर योजना बनाना, और बेटा निकल करके आए कहे माँ अब तुम वृद्ध हो गई हो तुम ये काम मत करो मैं लगा देता हूं, तो बेटा और माँ तुम आपस में झगड़ोगे तो बहू आ जाएगी बीच में और कहेगी कि मम्मी काहे को झगड़ते हो आज से हम लगाया करेंगे, आ जाएगी बीच में काम बन जाएगा। महात्मा जी ने अपनी युक्ति बनाई, किंतु महाराज पता नहीं शायद वकालत पढ़ के आई होगी वो बहू, जब झगड़ा होने लगा ना तो आकर के खड़ी हुई कर बोली अपनी सास को सुबह सुबह तुम लोग मेरा मूड खराब क्यों करते हो, तुमको झगड़ने का यही स्थान मिला है, नींद खराब कर दी तुम लोगों ने हमारी, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम क्यों झगड़ते हो, कौन लगाएगा कौन लगाएगा, दो दिन तुम लगाया करो दो दिन ये लगाया करेंगे, अपने को बिल्कुल निकाल लिया। तो महाराज ऐसी भी बहुएं आती हैं, ऐसा नहीं कि ऐसी नहीं आती हैं, किंतु आप ऐसे चाहे जैसी आ जाएं आप ये समझो कि हमको ऐसी बेटी मिली है। हमने बेटियों को भी बहुत कठोर स्वभाव वाला देखा है, तो बस ध्यान देना यही चाहिए कि अपने आज सबसे बड़ी विडंबना क्या है वकील साहब, हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, आज जिससे मिलो हमारा बेटा सुधर जाए मेरी बहू सुधर जाए मेरा पड़ोसी सुधर जाए मेरा भाई सुधर जाए सब सुधर जाए और मैं जैसा हूं वैसे ही बना रहूं, और कोई भी सत्संग कोई भी बात आपको कहें ये नहीं सिखाती कि तुम दूसरों को सुधारो, पहले तुम स्वयं सुधर जाओ। मैं कई बार लोगों को कहता हूं सृष्टि नहीं बदलेगी दृष्टि बदलेगी, संसार नहीं बदलेगा विचार बदलेंगे। आप संसार को बदलने का प्रयास मत करो यदि सुखी रहना चाहते हो, अपने विचार बदल लो, आपके विचार बदल जाएंगे तो संसार बदला हुआ ही है, आप अपने को बदलो। सूत्र यहां से यही लेकर जाना है, हम मधुर व्यवहार करेंगे हो गया, हमारी ऐसी व्यवस्था होगी कि हम उसकी कवच बनकर के खड़ी रहेंगे, उसको जो व्यवहार करना है करें, जब तक शरीर से होगा तब तक करेंगे। महाराज देखा कि बहुएं थक गई हैं, लड़िका अश्रमित उनींद बस, बच्चे भी थके हुए हैं, अब घर में जाकर के लेकर उनको विश्राम कराती हैं, बहुत आनंद मनाया जा रहा है। एक बात बड़ी अच्छी हमको ये भाव बहुत प्यारा लगता है, माताओं ने कौशिक जी महात्मा के सामने कोई चर्चा चल रही थी तो रानियों ने एक बड़ी रसीली बात कही, विधाता से प्रार्थना करती हैं जे दिन गए तुम्हें, इरागो के बारे में है, प्रभु को दिव्यनाथ देखे हुए जो दिन गए हैं, जे दिन गए तुम्हें ही बिनु देखे, तुम्हारे देखे बगैर जो दिन गए हुए हैं, हम विधाता से यही कहेंगे वो हमारी उम्र में उनकी गिनती ना हो।
हमारी उम्र में उन्हीं दिनों की गिनती हो जो दिन हम आपके समीप बिता रहे हो, आपके समीप बिताएं वो दिन की गिनती हो। बाद में महाराज बार बार विश्वामित्र जी महाराज चाहते हैं कि हम जाएं, किंतु विश्वामित्र जी महाराज का सम्मान करके इनको रख लिया जाता है गुरुदेव, अभी नहीं जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। घर में बड़ा आनंद है। हमारे श्री याज्ञवल्क महात्मा सुनाते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए नित नो मंगल मोद बधाए। जब से राघव ब्याह करके आए हैं तो नित नव मंगल हो रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है। 14 भुवनों में महाराज ये चर्चा चल रही, सुकृत में एक बरसई सुखवारी, सब जगह आनंद छाया हुआ है, सब लोग प्रसन्न हैं, माताएं प्रसन्न हैं, प्रजा के लोग प्रसन्न हैं, सब लोग आनंद में भरे हुए हैं और सब आनंद में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमारे श्री राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज ने एक दिन अपना मुकुट सीधा किया और जो मुकुट सीधा किया तो कुछ श्वेत बाल दिखाई पड़े। राय स्वभाव मुकुर कर लीना, स्वभाव से ही उन्होंने दर्पण सामने रखा और जो महाराज लेकर के देखा, क्या बदन बिलोक, अपने शरीर को देखा और मुकुर अपना मुकुट सामने किया। श्रवण समीप भय सित केसा, कान के समीप उन्होंने देखा कि कुछ बाल श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं, समझ गए। मनहु जरठपन अस उपदेशा, हमको वृद्धावस्था आ गई, ऐसा उपदेश मिल रहा है। किंतु आजकल तो भगवान मालिक है, हमको लगता शायद 80 वर्ष तक भी रगना नहीं छोड़ते बालों को, हे भगवान। अब पता नहीं कौन सा बाल रंग करके नया काम करने वाले हैं। बाल रंगने में वकील साहब एक खतरा है, पता है क्या खतरा है? ऊपर से जवान लगते अंदर से बूढ़े होते हैं, और कहीं जवान समझकर अपने को छलांग लगा गए तो 3200 टूटने के डर है। इसलिए ऊपर से जैसे हो वैसे अंदर से रहे, उसमें फायदा है, जैसे ऊपर वैसे अंदर। हां भाई, ये बात तो जरूर है, माताओं को थोड़ा डर लगता है कि कोई बुढ़िया न कह दे, तो उनको रंगना ठीक है, वो रंगती रहे। अभी हमारी कथा थी पंजाब में महाराज, गजब हुआ, मैं तो बड़ा आनंद में ले रहा था, आनंद लेता रहता हूं। तो एक दादी अपने बच्चों पोतों से पोतियों से कहती, मुझे भाभी कहो, दादी मत कहो। हमारे सब देवता लोग जान गए, पंजाब की घटना है। अब वो माताजी दादी दादी नहीं कहलाती, भाभी कहलाती अपने नाती पोतों से, बड़े बड़े हो गए तो भाभी भाभी कहते हैं। सोचे भाभी क्यों कहते हैं, तो बच्चों से मैंने पूछा कि तुम दादी को भाभी क्यों कहते हो? बोले भाभी, दादी कहती कि मुझे भाभी कहो। तो मैंने उससे पूछा, हमारी शिष्या है जी, हमने पूछा, माता जी आप ये बच्चों से भाभी क्यों कहलाती हो, दादी क्यों नहीं कहलाती हो? बोले दादी कहने में बुढ़िया लगती हूं, भाभी कहेंगे तो जवान लगती हूं। हमने कहा हे भगवान, अब भाभी और दादी में क्या, ऐसे कहने से क्या हो जाएगा, हमारी मानसिकता जो है वो गड़बड़ा गई है। आप जरा ध्यान दीजिए, इन्होंने श्वेत बालों को देखा तो उपदेश ले लिया। मैं तो कई बार कहता हूं कि यदि आप सीखना चाहो तो प्रकृति का एक एक मरा तिनका हमको सिखाने के लिए तैयार है, और हम सीखना न चाहें तो साक्षात भगवान भी गुरु बन करके आए तब भी हमको सिखा नहीं सकते। हम शिष्य बन जाएं तो हमको एक भारत का तिनका भी सबका जगह का सिखा सकता है, तिनके से भी हम शिक्षा ले सकते हैं। अब देखिए, दशरथ जी महाराज ने बाल थोड़े से सफेद हुए, उनको लग गया कि निश्चित रूप से हमको बुढ़ापा आ रहा है, और यदि बुढ़ापा आ रहा है तो क्या करें। बोले नृप युवराज राम को देहू, जीवन जन्म लाभ किन लेहू। मानो ये बाल श्वेत हमको उपदेश दे रहे, राजा ये युवराज पद अब तुम अपने राम को दे दो और अपने जीवन को सफल बना लो। या विचार करके महाराज तुरंत ये गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव ने कहा, जब गुरुदेव ने महाराज सुनी बात तो कहा, बेग विलंब न करिए नृप,
साजी है सब ही समाज। जिस समय महाराज आपके चित्त में बात आई है तो विलंब मत करो, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज, वही सुदिन है वही सुमंगल है जिस दिन राम युवराज बन जाए। मैं निवेदन करूं, अपने पूज्य संत चरणों से सुना है कि विभीषण जी महाराज एक बार अपने आचार्य प्रवर के चरणों में पहुंचे और कहा कि महाराज आप ज्योतिष के जानकार हो, हमको भगवान राम के यहां जाने की तिथि निकाल दो कि हम कब उनके यहां जाएं और वो हमको स्वीकार कर लेंगे, आप तिथि निकाल दो। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान के यहां जाना हो तो तिथि निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना भगवान के यहां जाना हो तो कौन सा दिन है कौन सा बार है ये कौन सा नक्षत्र है राहु काल ये सब काल संसार में जाने को देखना चाहिए, भगवत धाम में जाने के लिए कोई ये चिंतन होना ही नहीं चाहिए। वही सुदिन है वही सुमंगल दिन है जिस दिन हमारे अंतकरण में भगवान राम का राज्य हो जाए। एक कलकत्ता में बहुत बड़े नारायण सेठ थे, उन सेठ का नाम था लाला बाबू, अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी लाला बाबू की। तो एक दिन सुबह महाराज उनको जगने में देरी हो गई तो सेवक ने आकर जगाया और बंगाली सेवक था, उसने कहा बाबू बेला थह गई बेला हो गई। तो उठे और दातून भी नहीं किया, उसने तो यह कहा था कि बेला हो गई अर्थात जगने का समय हो गया, इनको लगा कि भगवत धाम जाने की बेला हो गई। और आपको बताया लाला बाबू ने मंजन भी नहीं किया और वैसे ही वृंदावन निकल गए। वृंदावन में लाला बाबू का मंदिर है और ऐसे दिव्यता से जीवन जिया कि ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया। मैं तो उनको वंदन करता हूं, उन्होंने जो अपने बच्चों को वसीयत लिखी थी आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हम तो उन बच्चों को भी वंदन करते हैं जिन्होंने अपने पिता की ऐसी वसीयत की आज्ञा मानी। वसीयत क्या थी उनकी, बाबा लाला बाबू का बहुत विलक्षण चरित्र भक्तपूर्ण हृदय उनका है, उन्होंने अपने बच्चों को लिखा था कि जब हमारा शरीर पूरा हो जाए तो कंधे में लाद कर हमको नहीं ले जाना मरघट तक, हमारे पैर पकड़ करके वृंदावन की गलियों में घसीटते हुए ले जाना कि कम से कम वृंदावन की रज हमारे शरीर में लगे। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा जब हमने पढ़ा संतों से सुना तो हृदय भराया, उनके बच्चों ने नारायण जी किया, घसीटते हुए सेवा कुंज की परिक्रमा लगाई, घसीटते हुए निधिवन की परिक्रमा लगाई, रोते जाते थे और इस ढंग से किया उन्होंने क्योंकि उनकी निष्ठा थी। मैं यही निवेदन करता हूं कि वे की विलंब न करिए नृप, इसमें योजना बनाने की जरूरत नहीं है। और हमको लगता है राजा अधिराज श्री दशरथ जी महाराज से चूक यही हो गई, उन्होंने कहा था कि जो जिस दिन महाराज अभी तुरंत बेग विलंब न करी नृप साजी है सब ही समाज, अभी विलंब मत करो तुरंत समाज साजो और तुरंत दे दो इनको, क्योंकि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। महाराज युवराज हमारे गुरुदेव तो कहते थे शुभ काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर देना चाहिए। अगर किसी को दान देने का मन हो ना कि कुछ देने का मन हो रहा है तो तुरंत दे दो, क्योंकि पता नहीं शाम तक विचार बदल न जाए कहीं, इस विचार का भी कुछ पता नहीं है, हम तो अपने अंतकरण को देखते रहते हैं, कभी विचार सतोगुणी होता कभी बदल जाता। और गाली देने का मन हो किसी को तो कहो कल देंगे, अशुभ काम टाल देना चाहिए शुभ काम तुरंत कर देना चाहिए। कहा कि सुदिन सुमंगल, वही सुदिन है वही सुमंगल काल है। मुदित महीपत महाराज मंदिर आए, वहां से आकर के महाराज सेवकों को सचिवों को सबको बुलाया और कहा कि तुम लोग नगर को सजाओ। महाराज नगर सजने लगा और
आनंद सब चारों तरफ होने लगा। ये सुनकर के सिया जी को और राम जी के अंगों में महाराज सगुन जनाए। जब दोनों के अंग फड़कने लगे तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और जानकी जी से बोले, पता है आज ये हमारा अंग क्यों फड़क रहा है, ये शुभ सूचना क्यों मिल रही है? जानकी जी ने कहा कि क्या कारण है बताओ ना। बोले, भरत आगमन सूचक है। भरत जी महाराज अपने ननिहाल गए थे, इन दोनों में भाइयों में बहुत प्रेम है, तो कहा कि ये जो हमको आज अंग शुभ सुंदर सूचना दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आज भरत जी महाराज आने वाले हैं। भय बहुत दिन अति अवशेरी, बहुत दिन हो गए किंतु हमने उसके दर्शन नहीं किए हैं, मैं मिला नहीं हूं भरत से, क्योंकि भरत सरिस प्रिय को जग माही। महाराज भरत के समान हमको कोई प्रिय नहीं है, यही सगुन फल दूसर नाही। सगुन होने का मानो यही फल है कि उनसे हम प्रेम कर रहे हैं। राम ही बंधु सोच दिन राती। श्री राघवेंद्र सरकार नारायण ऐसे दिन रात चिंतन करते हैं भरत का, जैसे अंडन कमट हृदय जेही भांति। ये न्याय बहुत अद्भुत है। आपको बताएं, संसार में पालन करने की परंपराएं कई हैं, जैसे मरकट न्यायवत एक पालन की विधा। मरकट न्यायवत का अभिप्राय क्या है? ये मरकट न्याय उसको कहते हैं बंदर का न्याय। आप कभी शायद देखे होंगे, हम लोगों का तो बंदरों से बड़ा लेना देना है जी, वृंदावन में खूब बंदर हैं और हमारे तो जहां रहते अगल बगल दिन भर रहते हैं तो हम उनके देखते रहते हैं क्रियाकलापों को। तो बंदर की जो महाराज बच्चे होते हैं ना, बंदरिया कभी अपने बच्चों को पकड़ती नहीं है, बंदरिया के बच्चे महाराज बंदरिया को पकड़ कर रखते हैं छोटे से ही। जैसे वो चलेगी तो बच्चा आकर तुरंत अपने आप मां की कोख पकड़कर लपट जाता है। अगर बंदरिया कहीं छलांग लगा रही हो और वो बालक गिर जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मां उसको मारती है कि क्यों गिर गया। तो एक न्याय ये है कि जो जैसे मरकट न्यायवत भगवान भक्तों को नहीं पकड़ रखे, भक्त भगवान को पकड़ रखे, एक न्याय ये है। दूसरा न्याय है मार जार न्यायवत। ये मार जार न्याय क्या है? ये बिल्ली का न्याय। बिल्ली जिन विकराल डाढ़ों से नारायण शिकार करती है उन्हीं विकराल डाढ़ों से अपने बच्चे को पकड़ करके ले जाती, किंतु खरोच भी नहीं आती। इसमें बच्चे नहीं पकड़ते हैं, मां पकड़ती है। एक न्याय यह है कि भगवान के आश्रय में भक्त चला गया, फिर भगवान ही उनको पकड़ करके रखते हैं। तीसरा न्याय ये बड़ा विलक्षण है, सेवही जो है ना, अन्न ही कमठ हृदय की जई भांति। इस प्रकार ये न्याय कैसा, कमठ न्याय इसको बोलते हैं। आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि जितने अंडा देने वाले पक्षी हैं, जो अंडे से बच्चे उत्पन्न होते हैं, कई जंतु भी अंडा देते हैं, सर्प भी अंडा ही देता है, सर्पणी अंडा देती है, तो ये जितने अंडा देने वाले लोग, इसमें पता है क्या होता है? अंडा देने के बाद उस पर बैठना पड़ता है, अगर बैठे नहीं तो अंडा बढ़ता नहीं, गर्मी से बढ़ता है। जैसे मुर्गी भी अंडा देकर उस पर बैठती है, तो बैठने से अंडा बड़ा होता है और पक जाता है, उसके अंदर बच्चा आ जाता है, अगर न बैठे तो अंडा खराब हो जाएगा। किंतु जो कछुआ होता है, कछुवी, वो सरोवर के किनारे पर अंडे दे दिया उसने, कछुवी ने, फिर वो उस पर बैठती नहीं, किंतु अंडे बड़े होते और फूट जाते हैं। कैसे बड़े होते, कैसे फूट जाते हैं? वो सरोवर के चाहे किसी तट पर रहे, उसका चिंतन अंडों का होता है, तो चिंतन के प्रभाव से वो अंडे बढ़ जाते हैं। अगर वह चिंतन करना छोड़ दे तो अंडे खराब हो जाएंगे। तो श्री भरत जी महाराज, भरत जी महाराज का चिंतन राम जी ऐसे ही करते हैं, कहा कि निश्चित रूप से भरत जी महाराज आने वाले हैं। और जब नारायण ये सूचना कौशल्या मैया को मिली तो आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। मां बड़ी आनंद में है और ब्राह्मणों को बुलाकर दान दे रही, ग्राम देव की देवी की पूजा हो रही है, सब आनंद मनाया जा रहा है।
आज महाराज तब हमारे श्री गुरुदेव जी वशिष्ठ जी महाराज राम जी के पास गए हैं नारायण, और राम जी को कृत्य समझाया और कहा कि आज तुम्हें युवराज बनाया जाने वाला है। गुरुदेव का ऐसा स्वागत करके कहा कि प्रभो आप मेरे पास क्यों आए, आप आज्ञा करते मैं आपके चरणों में आ जाता। तब उन्होंने बताया कि तुम्हें युवराज बनाया जा रहा है। उस समय तो कुछ नहीं बोले, बाद में हमारे श्री राघव कहते हैं कि यदुवंश अपने सूर्यवंश में और तो सब अच्छा है किंतु ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? बोले जन्मे एक संग सब भाई, हम सभी भाई एक साथ जन्मे, भोजन शयन केली लड़िकाई सब चीजें हम लोगों के एक साथ हुई, क्रीड़ा करना भोजन करना संस्कार करण वेद उपवेद संस्कार सबके साथ हुए, किंतु ये युवराज बनाने का काम जब आया तो मेरे को अकेला क्यों बनाया जा रहा है। बंधु बिहाई बड़े अभिषेकू, छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई का अभिषेक ये ठीक नहीं है और ये गलत हो रहा है। तीन अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। उसी समय श्री लखन लाल जी आए, बड़े प्रेम में भरे हुए थे, आनंद में जय जयकार करते हुए आए। भैया 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 पता है आज हम बहुत खुश हैं, आपको युवराज पद दिया जाने वाला है, सारा नगर सजाया जा रहा है। सब महाराज भर इनके आनंद को देख करके कुछ बोल ही नहीं पाए राम जी। महाराज अवध के लोग तो प्रसन्न हैं किंतु देवता लोग बड़े दुखी हैं। मैं यही निवेदन कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति समाज में सबको सुखी नहीं रख सकता है, सब लोग प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। सूर्य के उदित हो जाने के बाद भी कई लोगों को दुख हो जाता है। अब चांदनी रात सबको भाती है किंतु चोरों को भाती है। वो कभी चाहेंगे कि चांदनी रात हो, क्योंकि चांदनी रात में चोरी नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो सबको सब कुछ महाराज नहीं भा सकता। देवताओं को लगा कि कैसे विघ्न मनाया जाए, अगर विघ्न नहीं होता राम राजा बन जाएंगे तो यहां संभालने लगेंगे तो रावण का वध कौन करेगा, हम कैसे सुखी बनेंगे। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहीं पराय विभूति। ये देवता नारायण रहते तो ऊंचे में है स्वर्ग में, किंतु करतूत इनकी बड़ी नीची है। ये किसी के भी सुख को देख नहीं सकते हैं। चिंतन करने लगे क्या करें, तो कहा इस समय केवल यदि सहयोगिनी बन सकती है तो सरस्वती बन सकती है। सरस्वती के सामने अपनी विपत्ति की कहानी सुनाई और कहा मां हमारा सहयोग करो, हमारा कार्य बनाओ। पहले तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, फिर बारात मान गई और सरस्वती ने जाकर के मंथरा की मति घुमा दी। और मंथरा की मति घुमाई तो मंथरा सी ये दासी है कैकेयी की। हमारे एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे, उसका मध्य प्रदेश झुका था मंथरा का। मध्य प्रदेश जानते हो कि नहीं? कमर। और जब कमर झुक जाती है तो दृष्टि पद पर रहती है, नीचे पैरों में रहेगी। जिसके जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है ना, उसकी दृष्टि फिर पद पर रहती, कुर्सी पर ही रहती है कि कैसे कुर्सी मिले कैसे पद मिले। और जिनके चित्त में पद की अभिलाषा होती है ना, वो दूसरों के चित्त में पद की अभिलाषा ही जगाते हैं, कैसे एन के एन प्रकार कुर्सी मिलनी चाहिए, पद मिलना चाहिए हमको। महाराज इसकी मति घुमा दी, ये रोती हुई गई कैकेयी के पास में और कहती तुम्हें पता है नगर सजाया जा रहा है, बड़ी तैयारियां हो रही हैं और कल राम जी का तिलक होने वाला है। जो महाराज कैकेयी ने सुना तो नाचने लगी, अरे ये शुभ सूचना लेकर आई हो, इससे तो बड़ी खुशी की बात और हो कुछ नहीं सकती है। और बड़े प्रसन्न होकर उसको कुछ देने लगी। उसने कहा ये खुशी की बात नहीं है, तुमको पता नहीं तुम्हारा जो बेटा है वो परदेश में है और इन लोगों ने खड्यंत्र बनाया है। पहले तुम्हारा कहा कि काने कूड़े खूबड़े जो लोग होते हैं ये कुटिल होते हैं कुजाती होते, डांट लगाई, किंतु महाराज ऐसे लोग बड़े कुशल होते हैं,
डांट लगाई तो बाद में कहा कि अब हमको कुछ नहीं कहना है, कहना सब कुछ है, हमको कुछ नहीं कहना, आप जिससे खुश होगी वही ठाकुर सुहाती बोलेंगी, को नप होए हमें का हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि होने वाली है, मैं तो नौकरानी हूं, नौकरानी बनकर रहूंगी, हमको कोई हानि नहीं है। महाराज पूछा क्या बात है, तू आज ऐसा बोल क्यों रही है? बोले देखो समय अनुकूल होता है तो सब अनुकूल होते हैं, और जैसे सरोवर में जल होता है और उसमें कमल होते हैं तो सूर्य के आने पर कमल खिल जाते हैं क्योंकि जल है, और यदि जल नष्ट हो जाए तो सूर्य के आने के बाद कमल खिलेंगे कि कमल जलेंगे? अरे कमल जल जाएंगे, जो खिलाने वाला काम करता है वही समय बीत जाने के बाद जलाने वाला काम करता है। भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करे सोई छारा। अगर आपका भाग्य ठीक नहीं तो हमारा सब गड़बड़ हो जाएगा। इसने ऐसी कुटिलता फैलाई, ऐसी कुटिलता फैलाई, और कुटिलता फैला करके महाराज, अच्छा एक बात बताएं, जैसे कथा होती तो बढ़ाओ भाई, खींच रहा है बाबू जी तुम्हारा। नारायण 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 नारायण। जैसे आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो तो कथा ये सुनाने वाला शरीर है, जरूरी नहीं कि जो दृष्टांत हम दें जिस लक्ष्य दें वही आप समझ सको। आपका चित्त जैसा होगा आप उसी को पकड़ोगे। हम कई बार देखते हैं दर्शन की बड़ी से बड़ी बात सुना दें, क्योंकि अपने तो दर्शन के ही जानकार हैं, उसी के जीवन व्यतीत किया है, किंतु जब जजमान कई बार हमारे पास आता है, बोले महाराज जी कथा बड़ी अच्छी सुनाई, मैं पूछता हूं क्या अच्छा लगा, तो वो दृष्टांत सुनाता है जो मैंने हंसी के लिए सुनाया होता है, तो मैं समझ जाता हूं कि इसका स्तर यही है, यही पकड़ पाया है। तो जरूरी नहीं कि जो बात हम कहें सब पकड़ ले। वशिष्ठ जी महाराज वेद पुराणों की कथा सुनाते थे, और कथा सुनाते थे सब लोग कथा सुनते थे, किंतु मंथरा भी अपने मन की कथा सुनती थी, और जिसके लिए वो आई थी वही युक्ति ढूंढती थी। तो तुरंत कैकेयी को पकड़ करके कहा कि आपने सुना नहीं था, गुरुजी ने सुनाया था कथा, कौन सी कथा? बोले कद्रु बिनतहि दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव। पुराणों में कथा है कद्रु और बिनता की, ये दोनों आपस में सौत हैं, और कद्रु ने बिनता को ठग लिया था और ठग करके उसको दासी बना लिया था। तो बोले तू जैसे कह रही नहीं कि कौशल्या हमको बहुत प्रेम करती है, बहुत ध्यान देती है, ये सब उसकी कुटिलता है और कुछ नहीं है। ये कुटिल लोग भी ऊपर से बड़ा प्रेम दिखाते हैं, अंदर मौका मिल जाए तो छुरी चलाते हैं। देख लेना जिस दिन उनका बेटा राजा बन गया उस दिन निश्चित रूप से तुम नौकरानी बनोगी, दासी बनोगी। इसने कहा कि मैंने महाराज ये कमजोरी है, देखो चतुर लोग इसको तुरंत पकड़ते हैं। बोले तेरे को पता नहीं मैंने राम की कई बार परीक्षा ली है, किंतु राम का चित्त ऐसा नहीं है। तो चतुर जान गई कि कहीं ना कहीं दुविधा है, अगर दुविधा चित्त में न होती तो परीक्षा ली जाती। कहीं ना कहीं संशय तो है कि राम जी अगर राजा बन गए तो कुछ करेंगे, इस संशय का ही लोग लाभ उठाते हैं। अब ये चतुर और सजग हो गई, और महाराज पास में बैठाल करके उसने कहा सावधान हो जाओ अभी समय है। इसने कहा देखो एक बात कहूं, मैं नौकरानी बन के नहीं रहने वाली हूं, सौत की सेवा में करने वाली नहीं हूं, मैं यहां रहूंगी ही नहीं, अपने चली जाऊंगी कहके देश में। इसने कहा बावरी काहे को जाने, मैं क्यों आई हूं तेरे लिए पास में? अरे कहके नरेश को पता था कि मेरी बेटी बड़ी भोली भाली है,
इसलिए हमको तेरी दासी बनाकर भेजा था, सब काम बनाने आई हूं। इतने दिन से ऐसे ही पापड़ नहीं बेल रही थी यहां, तुम तो सीधी साधी भोरी भारी हो, राम की महतारी के चक्कर में आ गई, राम की बनावट के चक्कर में आ गई, किंतु मैं सबको जानती हूं एक तरफ से, और अभी तुम्हारे हाथ में दांव है, मेरी बात मान जाओगी तो तुम्हारा ही बेटा राजा बनेगा, राम बनेगा ही नहीं। सो कैसे, अब तो सब जगह घोषणा हो गई है। बोले वो घोषणा हो जाने दो, तुमसे राजा ने, तुमने हमको बताया था कि राजा ने कहा था बर मांग लो, तो हमने कहा था जब जरूरत होगी तब मांगूंगी। तो दुई वरदान भूपसन था थी, तुम्हारे दो वरदान उनके पास में, मांगहु आज जुड़ावहु छाती, आज वही वरदान मांग लेना और ऐसे नहीं मांगो। मैं जानती हूं राजा तुम्हारे से प्रेम करते हैं, तुम्हारे पास आएंगे, तुम जाकर कोप भवन में बैठ जाओ, सब श्रृंगार उतार करके देखो भैया, ध्यान रखना ये दुनिया के लोग ऐसे सब, ऐसा उस दासी ने श्रृंगार उतरवाया करके ही कहा कि जीवन भर के लिए उतर गया, जीवन भर के लिए उतर गया, वैधव्य दुख दिया। इसलिए महाराज संग का बहुत ध्यान रखना, संग का बहुत बड़ा महत्व है कि हम कैसे लोगों के साथ में रहते हैं। अगर आपका संग ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से कभी न कभी आप विपत्ति में पड़ोगे। इसलिए सज्जनों पुरुषों का ही संग करना चाहिए, दुर्जनों का कभी नहीं करना चाहिए। हमारे एक संत ने मुझे बहुत दिन पहले एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा से संत मिलते हैं तो हो सकता है कि हमारे भाग्य में संतों का संग कम हो, तो कोई बात नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं कि हमको सज्जन पुरुषों का संग मिल जाए, किंतु हमारे हाथ में ये तो है कि दुर्जनों के संग से हम दूर रहे। हमको बहुत अच्छी बात लगी, बोले हमारे हाथ में ये नहीं कि सज्जन पुरुषों का साथ मिले, ये तो ईश्वर के हाथ में है, किंतु हमारे हाथ में ये तो है कि हम दुर्जनों से दूर रहे। ये दुर्जन जब लोग महाराज होते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा ही काम करते हैं। इसलिए बाबा हमारे कहते कौन कुसंगति पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। एक कुसंगति पाने के बाद अपनी मति भी नष्ट हो जाती है। अरे बार बार कोई एक बात कहेगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि नहीं कोई ना कोई बात तो है, कोई ना कोई बात तो होगी, किस लिए तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, कोई ना कोई बात होगी। महाराज उनकी आज्ञा मान करके चली गई और यही राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज से अपराध बन गया। हमारे एक संत कहते थे जिसे राम राज्य की स्थापना करना हो उसे काम राज्य में नहीं जाना चाहिए। अब जब हमारा मानस राम राज्य की स्थापना का है तो काम राज्य में क्यों जाए, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, काम और राम दोनों साथ नहीं रहते हैं। तुलसी कबहू कर रही सके रवि रजनी एक ठाम, जहां राम तहां काम नहीं और जहां काम नहीं राम। ये काम राज्य में चला गया, कैकेयी के यहां गया और जो महाराज पता चला दासियों से कि वो तो कोप भवन में चली गई। सो सुन्य तीय ऋषि गयो सुखाई। हे भगवान, कितनी काम की प्रबलता है, अपनी पत्नी के क्रोध को सुनकर के सुखा गया। बाबा ने टिप्पणी कर दी, देखो काम प्रताप बढ़ाई। ये कैकेयी की बढ़ाई नहीं थी, काम के प्रताप की बढ़ाई थी। और जब महाराज वहां तेरतिनाथ सुमन सर मारे, जब वहां ये कामी व्यक्ति गया, मनाने लगा प्राण प्रिया की हेतु रिसानी, ए प्राण प्रिया की हेतु रूठ गई हो, बार बार मन कैसे कैसे महाराज सब इस उम्र में ये संबोधन, गजगामी गजगामिनी बोल रहा है, ऐसे ऐसे संबोधन प्रयोग कर रहे हैं ये, बार बार कही राव सुमुख सुलोचन पिक बचनी, कारण मोही सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। अपने कोप का कारण सुनाओ, तुम्हारा किसने अनहित किया है।
अरे तुम चाहो तो किसी राजा को राजा, रंग को राजा बना दूं और रंग को राजा बना दूं, राजा को रंग बना दूं। आप जरा विचार से कितना बड़ा अभिमान है। कहू के ही किनपत निकासों देशु, तुम जिसको कह दो अपने देश से निकाल दूं। महाराज बार बार जब कहा, उसने चतुरता से पढ़ाया था, महाराज बाद में कहा भामिनी राम सपत सत मोही, मैं राम की शपथ खा करके तुमको कहता हूं कि तुमको जो मेरे से मांगना हो मांग लो, अपने भूषण साजन जो राम की कसम खाई जान गई बैठ गई। और जब कहा कि तुम राम की शपथ खा रखे हो तो दोगे जरूर, बार बार मांगना मांगना कहते हो किंतु ध्यान रखना कोई मैं सामान्य चीज मांगने वाली नहीं हूं। मांग मांग पे कहो प्रिय कबहू न देहू न लेव, कभी कुछ देते लेते नहीं हूं, कहते हो कि मांग लो मांग लो। देन कहू बरदान दुई त्यू मांगत संदेह, मुझे मांगने में संदेह हो रहा है कि आप दोगे कि नहीं दोगे। महाराज राजा ने कहा कि आप क्या बोलती हो, दो की जगह चार मांग लो, हम रघुवंशी हैं कभी पीछे नहीं टलेंगे। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, काहे प्राण प्रिय, अगर तुम हमको देना ही चाहते हो तो पहला वरदान दो, देहु एक वर भरत ही टीका, श्री भरत जी को राजा बना दो। महाराज मांगहु दूसर वर कर जोरी, दूसरा हाथ जोड़कर वर मांगती हूं, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, आप हमारे नाथ हमारे मनोरथ की पूर्ति करो, क्या चाहती हो। बोले तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वर यह है कि तपस्वियों का वेश धारण करके 14 वर्ष के लिए राम वनवासी बने। महाराज ये सुनते ही राजा तो मूर्छित हो गए, सोचा कि क्या हम समझ रखे थे और क्या हो गया। बाद में बड़ी दुहाई देने लगी, चेतना जागी, अरे आप इतना छोटा सा वरदान नहीं दे सकते हो। शिवि दधीच बलि जो कछु भाखा, शिवी ने दधीची ने बलि ने एक बार कह दिया तो महाराज तनु धनु तजो वचन पनु राखा, अपना शरीर छोड़ दिया अपना धन छोड़ दिया किंतु महाराज वचन नहीं छोड़ा। और आप क्या सोच रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं। रोते हुए कहा कि मोरे भरत राम दुई आंखी, रानी हमारी दो आंखें हैं, एक भरत और एक राम, सत्य कहूं करी शंकर साखी, मैं भगवान शंकर की कसम खा करके साक्षी करके एक बात कह रहा हूं, ऐसा मत करो। हमको ये लोभ नहीं है कि राम राजा बने, राम को भी लोभ नहीं है, लोभ उन राम ही राज कर और बहुत भरत पर प्रीति। राम भरत से बहुत प्रेम करते हैं, उनको राज्य का लोभ नहीं, मैं ही छोटा बड़ा करके विचार करता रहा, अगर हम भरत को राज्य दे देंगे तो राम बड़े प्रसन्न होंगे। मैं सब कीन तो ही बिन पूछे, मैंने ये जो सब किच किया तुम्हारे बिना पूछे किया, इसलिए हमारा मनोरथ झूठा हो गया। दूसरा वर तूने समझ करके नहीं मांगा। एक बात कहें, जैसे जहां मछली यदि जल निकाल दिया जाए तो उसका जीवन चला जाएगा, जैसे मणि वाले सर्प से महाराज यदि कोई मणि ले ले तो उसका जीवन चला जाएगा, ऐसे ही हमारा जीवन राम के बगैर नहीं रह सकता। समझ देखो जी है प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना, मेरा जीवन राम दर्शन के आधार पर ही है। महाराज और कठोर कठोर बात इसने कही है, राजा सुन सुन करके बड़ी पीड़ा पा रहे हैं और व्यथित हो रहे हैं, मूर्छित हो जाते हैं। रात भर महाराज इस प्रकार समय बीता। प्रातःकाल जब सुमंत जी आए, सन्नाटा छाया था, रोज वैसे ब्राह्म मुहूर्त में राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज
स्नान आदि करके आ जाते थे, आज नहीं आए, कारण क्या है? कोई महल में घुसना नहीं चाहता है। और जब सुमंत को भेजा गया, सुमंत ने जिस समय राजाधिराज श्री दशरथ जी की स्थिति देखी है, महाराज विह्वल हो गए और कारण पूछा तो दशरथ जी महाराज तो कुछ बता नहीं पाए, इसने सब बता दिया और कहा कि इनका मोह है, इसके कारण दुख पा रहे हैं। और एक काम करो, तुम राम जी को यहां लेकर के आओ, राम जी से कहेंगे। श्री राघव को हमारे बुलाया गया और श्री राघव जब गए तो इसने सब बातें बता दी कि मैंने ये वर मांगा है, आपको बन जाना है। भगवान भी महाराज मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। भगवान इन बातों को सुनकर दुखित नहीं हुए, मुस्कराने लगे, मुस्कान से जीवन भर गया और हाथ जोड़ करके बोले, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, पुत्र वही बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों की महाराज इज्जत करता है। मैं तो आज बहुत बड़ा भाग्यशाली बन गया और निश्चित रूप से मैं आज्ञा पालन करूंगा, मैं जरूर बन जाऊंगा। महाराज इस प्रकार से वहां से निकल करके जब हमारे श्री राघव नारायण आए इधर, अवध के लोग जब पता चला तो सब मूर्छित हो जाते हैं, विधाता से प्रार्थना करते हैं, शंकर से भी प्रार्थना करते हैं, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरो दीन जनु जानी। और हमारे श्री राघव जब मां के पास पहुंचे, आहा सच कहें इस सील पर हृदय बलिहार हो जाता है। मां ने कहा कि बेटा आज तो तुम्हें युवराज पद दिया जाना है और तुम अभी तक स्नान नहीं किए, इस समय कैसे आ गए? राघव ने कहा कि मां मैं बड़ा भाई हूं ना भरत का, तो पिताजी ने हमको बड़ा राज्य दिया है, भरत को यहां का राज्य छोटा है ना भरत हमसे, तो भरत को अवध का राज्य दिया और हमारे पिता ने हमको जंगल का राज्य दिया है। पिता दीन मुहि कानन राजू, ये नहीं कहा कि मुझे बंध दिया है, हमारे पिता ने हमको जंगल का राज्य दिया है और हमारा वहां काम है, निश्चित रूप से हम वहां जाएंगे। मां ने सुना, ऐसा कैसे हो सकता है? मां ने कहा कि देखो राम, बालक पर पिता से ज्यादा अधिकार मां का है, अगर उन्हें तुमको दिया है तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। भैया कैकेयी की आज्ञा है, पिताजी की भी आज्ञा है। महाराज ये सुनते ही मां मौन हो गई और कहा यदि उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से तुम्हारा जाना ही उचित है। तो पितु मात कहू बन जाता, जो पितु मात कहू बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अगर माता पिता ने दोनों ने तुमको बन जाने की आज्ञा दी है तो कानन भी अवध के समान ही है। और सच कहें बड़ भागी बनू अवध अभागी, सच कहें भाग्यशाली तो बन है और दुर्भाग्यशाली अवध है, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तुमने तिलक का परित्याग कर दिया तो निश्चित रूप से भाग्यशाली बन हो गया, तुम बन जा रहे हो। महाराज ये आपस में चर्चा हो ही रही थी तब तक सियाजू आ गई, सास को प्रणाम किया, समाचार ते समय सुन सिय उठी अकुलाई, जाय सास पद कमल जुग बंदी बैठ सिरुनाई। सास के चरणों में बंधन करके बैठ गई, सास ने आशीर्वाद दिया, शोक में बैठी हुई थी
और कहा कि हे जीवननाथ, मैं आपके साथ चलना चाहती हूं। बस आप इतना बता दीजिए कि तनु प्राण की केवल प्राणा, ये शरीर आपके साथ चलेगा प्राणों के सहित, कि केवल प्राण जाएंगे शरीर यहां रह जाएगा। हमारे श्री राघव ने जानकी को बहुत अनेक अनेक ढंग से नारायण समझाया है और कहा कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए, तुम बन के योग्य नहीं हो, वहां जाना तुम्हारा उचित नहीं है, यहां माता पिता की तुम सेवा करना, मां जब हमारी स्मृति में आए तब उनको समझा देना, कुछ कथा सुना देना। महाराज सब सुन करके श्री अजू ने कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूं और पूछना चाहती हूं कि आप तन के, आपका तन तप योग्य और हमारा तन विषय भोगने योग्य है, मुझे किसी का डर नहीं आपके साथ चलने में। भालु बाक केहरी नागा करें नाद सुन धीरज भागा, राम जी ने कहा वहां जंगली जानवर गर्जना करते हैं, तुम्हारा धैर्य भाग जाएगा। नर आहार रजनीचर कर रही, मनुष्यों को राक्षस खा जाते हैं और कपट भेष में वह विचरण करते रहते हैं, पहचान में नहीं आता है। लागई अति पहाड़ कर पानी, पहाड़ का पानी भी दुख देने वाला है। महाराज कई युक्तियां दी किंतु श्री किशोरी जी ने एक भी स्वीकार नहीं किया और कहा कि हम आपके साथ ही रहेंगे, जैसे जीह बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे शरीर में शरीर ही न हो तो शरीर मुर्दा है, नदी में जल न हो तो नदी की क्या कीमत है, वैसे जीवन में पति न हो तो जीवन की क्या कीमत है। मैं तो आपके साथ चलूंगी, आपको कंदमूल काट करके खिलाऊंगी, आप थके होंगे तो आपके पैर दबा दूंगी, आपके चरण कमलों को छिन छिन निहार करके मैं आनंद में भर जाऊंगी, किंतु प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो न कृपा निधाना, हमको आपके साथ चलना है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, मैं बन के योग्य नहीं हूं, आप केवल बन के योग्य हैं। भगवान जान गए कि अगर इसको साथ नहीं ले जाएंगे ये शरीर छोड़ देगी। भगवान मौन हो जाते हैं। लखनलाल जी को जब पता चला तो श्री लखनलाल जी दौड़ते हुए व्याकुल होकर के आए, कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। दौड़कर आकर राघव के चरणों को पकड़कर कहा, हे प्रभु, जैसे जल के बिन मछली नहीं रह सकती, वैसे लखन राम के बगैर आपके बगैर रह नहीं सकता है। जब श्री राघव ने देखा कि ये देह गेह सबके समान, सबसे महाराज ममता त्याग करके आया है, तो भगवान राम ने धर्म का उपदेश दिया। लखन माता की, पिता की, गुरु की, स्वामी की सिख धारण करनी चाहिए और जीवन का परम लाभ यही है कि माता पिता की सेवा की जाए। और इस समय भैया भरत भी नहीं है, इसलिए तुम्हारा रहना यहां बहुत आवश्यक है। और मैं एक बात कहूं, मेरे वियोग में पिता की स्थिति भी ठीक नहीं है और जब वह स्वयं स्वस्थ नहीं है तो प्रजा का ध्यान कैसे रखेंगे, और जिस राजा के राज्य में प्रजा सुखी नहीं रहती है वह राजा नरक का अधिकारी बन जाता है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए नीति समझ करके तुम यही रहो, हमारी आज्ञा है। लखनलाल जी विवल होकर के कहा कि प्रभु, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं आप तो आपका शिशु के समान हूं, आपका पालित हूं, आप जो आज्ञा कर रहे हैं ये मेरे से पालन हो नहीं सकती। मैं तो न गुरु को जानता हूं, न पिता को जानता हूं, न मां को जानता हूं,
केवल यदि जानता हूं किसी को तो आपको जानता हूं। आपके अतिरिक्त इस दुनिया में हमारा कोई अपना नहीं है। और रही बात जगत के संबंधों की, जहां लगत जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। आप ही मेरी माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे बंधु हो, आपके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। मैं धर्म की बात सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि धर्म नीति उपदेशी था ही, धर्म की नीति की बात उसे उपदेश देना चाहिए जिसे सुगति चाहिए, स्वर्ग चाहिए, कीर्ति चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं और न ही मैं संसार में कीर्ति प्राप्त करना चाहता हूं। इस प्रकार करके भरत के छोटे भाई लखन रो पड़े। करुणा सिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत, समझाए उर लाए प्रभु जान स्नेह सबीत। भगवान ने हृदय से लगा लिया लखन को, और लखन को हृदय से लगा करके कहा कि अगर तुम्हारा चलने का मन है तो मां से आज्ञा मान करके आओ। सच में नारायण, हमारे यहां शास्त्रीय परंपरा भी यही है कि बालक यदि संत बनना चाहे तो मां से आज्ञा लेनी चाहिए। मां आज्ञा दे दे तब कहीं जाना चाहिए, मां का अधिकार है। तो कहा मां से आज्ञा मान कराओ, मांगो विदा मां तो सन जाए, मां के पास जाकर के विदा मांगो। आयो बेग चलो बन भाई, मां से आज्ञा मान कर जल्दी आ जाना। और जो महाराज सुना सो भाग खड़े हुए, मुदित भय सुनी रघुबर वाणी। रघुबर की वाणी सुनकर प्रसन्न होकर के गए। शरीर नारायण भले ही मां के पास गया, तुलसीदास जी महाराज कहते मनु रघुनंदन जानकी पास। मन तो इनका जानकी के पास ही, राघव के पास भी है। और जब महाराज वहां गए, पूछे मां तो मलिन मन देखी। वहां गए तो मां भी बड़ी दुखित थी, कारण क्या है, सूचना मिल गई थी। गई सहस सुनी बचन कठोरा, मृगु महाराज मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। जब लखन की बात सुनी तो जैसे कोई हिरणी जंगल में चारों तरफ आग लग गई हो और अपने को फंसी देख करके भयभीत हो जाए, ऐसी भयभीत हो गई। और कहा कि अरे तुम माता पिता से आज्ञा मांगने के लिए, मां से आज्ञा मांगने के लिए आए हो? बोले हां मां, राघव ने कहा है, धन्य है मां, उन्होंने कहा कि यहां तुमको आने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारी मां तो वहीं थी और वहीं मांग लेते ना मां से, मेरी मां वहां थी। बोले हां, तात तुम्हारो मात वैदेही, तुम्हारी मां तो वैदेही है और उसी से आगे। और पिता राम सम भांति स्ने, मारे सब भांति स्नेही पिता आपके हैं। और अवध जानते हो कहां है? अवध अवध यहां नहीं है, अवध तहां जहां राम निवास हो। हमारे राम जहां निवास करते हैं वही अवध है और वही तुम्हारे लिए रहने। भानु जहां है वही दिवस है, जहां राम है वही अवध है, तुम्हारा यहां कुछ काम नहीं है। राम प्राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। राम सबके प्राण प्रिय हैं, सबके स्वार्थ रहित सखा हैं। अस जिए जान संग बन जाहु, लेव तात जग जीवन लाओ। धन्य है नारायण, लखनलाल जी का जीवन जो समर्पित है, ये मां की ही हृदय की गति है, मां का प्रभाव है ये। मां कहती है लखन वह स्त्री भाग्यशालिनी है, पुत्रवती युवती जग सोई। युवती वही पुत्रवती है, भाग्यशालिनी है, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका भक्त रघुपति का भक्त हो जाए, जिसका पुत्र
नतरु बांझ भली बाद ज्ञानी। मैंने कहा अच्छा होता अगर उसका पुत्र भक्त नहीं है तो व्याती ही नहीं, अगर व्याई है तो वह पुत्र व्याई नहीं, पशु है वो। राम विमुख सुतते हित नाही। और महाराज इस प्रकार करके एक बात शिक्षा दी, धन्य है मां, हमको यह शिक्षा बहुत प्यारी लगती है। मां ने कहा राग रोष ईर्षा मद मोहु जन सपने इनके बस हो। लखन तो हमारे लाल हो, यदि मेरे पास आज्ञा मानने आए हो तो कभी राग के वशीभूत मत होना, कभी किसी से द्वेष मत करना, कभी कहीं चित्त में ईर्ष्या मत रखना, कभी किसी से मद की बात मत करना, अभिमान की, किसी से मोह मत करना। जागृत की बात तो छोड़ दो, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। हमारे श्री लखनलाल जी ने विचार किया कि जागृत में तो हमारा स्वत्व है, स्वप्न में तो हमारा अधिकार नहीं, हम कैसा स्वप्न देखते हैं। और मां ने यदि कहा है कि स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए तो आज के बाद हम सोएंगे ही नहीं, तो स्वप्न कहां से आएगा। हमारे श्री लखनलाल जी 14 वर्ष सोए नहीं है। अद्भुत है चरित्र नारायण का, लखन का चरित्र तो क्या कहना है। हमने तो अपने गुरुजनों से अलग अलग, ये तो केवल हम संक्षेप में सुना रहे हैं, पूज्य पंडित जी महाराज श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज के चरणों में बैठकर हमने लखन चरित्र, भरत चरित्र, ऋभुसूदन चरित्र 9-9 दिन सुने हैं। और इन महापुरुषों का जब चरित्र सुना है तो लगता है कि सचमुच इस चरित्र की कितनी महिमा है, कैसा जीवन है। लखनलाल जी नारायण आए हैं और आकर के राघव के चरणों में प्रणाम किया है, और श्री राघव मां को प्रणाम करके जानकी के सहित लखन के सहित भवन में गए, कैकेयी के उन्होंने वल्कल वस्त्र नारायण को दिए हैं, और ये वस्त्र धारण करके तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी वन की ओर चल पड़ते हैं। अब नारायण को चलने दीजिए, शेष चर्चा कल करेंगे, बड़ी रसीली कल की चर्चा है। कल आप सुनेंगे तो आपका चित्त तो पवित्र होगा, आप डूब जाओगे, मैं तो स्वयं नहीं संभाल पाता अपने को। कल हमारे भैया भरत का चरित्र भी, केवट आदि के प्रसंग तो सुनने को मिलेंगे ही, किंतु कल एक दिव्य चरित्र आने वाला है जो धर्म सेतु हैं, धर्म रक्षक हैं और सच कहें। जब श्री राघव हमारे वनवासी बनकर के गए और जब प्रयागराज में पहुंचे ना, तो भरद्वाज जी महाराज ने कहा कि सारे वहां के निवासियों ने भी कहा, सारे जीवन के पुण्यों का फल है श्री राम का दर्शन। और जब श्री भरत गए तब वहां के निवासियों ने कहा कि सब पुण्यों का फल दर्शन है राम का दर्शन, और राम के दर्शन का फल है भरत का दर्शन। भरत चरित्र ऐसा चरित्र है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है चरित्र, मैं उसमें रमता रहता हूं, कई बार उसका चिंतन करके आनंद लेते रहते हैं। तो कल केवट चरित्र, भरत चरित्र आदि की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे, आप सब इसका जरूर रस लें। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। अब हम सब मिलकर बड़े भावपूर्ण हृदय से रामचरितमानस की आरती करेंगे, और रामचरितमानस की आरती करके प्रसाद आदि लेकर आप सब प्रस्थान कीजिएगा। सबके हाथ में निरार्जन पात्र तो नहीं पहुंच सकता है, तो आप अपने मन की ही आरती बना करके हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को रिझाइएगा, और जिनके कर कमलों में आरती पहुंच जाए पात्र तो आरती के द्वारा